मैं अपने तरफ से एक बार आपको पूरा फुल दे देता हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट है आप लैब करोगे थ्योरी करोगे तो जो भी चीजें आपसे डिस्कस हुई है उसके बारे में एक बार ब्रीफली थोड़ा सा ब्रीफ ब्रीफली आपको बताया गया होगा मैं थोड़ा सा उसको और पेंड करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सो ऑफिशियल कंटेंट एक बार आपको पूरा गो थ्रू करवा देता हूँ एंड देन फिर आपको बताता हूँ कि हम कैसे कवर करेंगे कंटेंट यहाँ पे और आप किस तरह से कवर कर सकते हो सिमिलर वे में सो वॉट यू हैव टू डू सो एसी काउंसिल सो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन कह लो या ये है जिन्होंने ये साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज कुछ डिजाइन करे हैं ठीक काफी टाइम हो गया एंड uh, काफी सारे इनके ट्रैक्स हैं काफी सारे सर्टिफिकेशन हैं ये उसका पूरा चार्ट है these all are their certifications in the cyber security as yes, information security bullo micro learning ne, they are also into this programming python programming for beginners and you know all this linux fundamentals linux administration yes, are Sari cheese okay so coffee coach blockchain penetration testing cloud security computer forensics uh, ethical hacking network security encryption cyber technicians and a lot more hambad kareng is certification ki. हम बात करेंगे हैकिंग में, they have their और मास्टर बोथ सेम सेम ओनली, दोनों हैं अंतर सिर्फ दो है एक आपका एमसीक्यू टाइप एग्जाम है ये इनका लैब एग्जाम तो ओवरऑल कंटेंट वही है कवर सारा कुछ एक ही उनके पूरे जो उनका ब्रोशर है उसमें ही पूरा कवर होता है तो ऑफिशियल जो ब्रोशर है वो मैं आपको एक बार थ्रू करवा देता हूँ यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो ये ब्रोशर ठीक है सी एच सबमिट रिक्वायरमेंट और यू कैन जस्ट व्यू कोर्स यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो लेटर यू कैन सबमिट सो करेंट वर्जन इज वर्जन सो दिस बी टीन्स वर्जन ट्वेल्व ठीक है कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंसेज नहीं है ऑल दो हाँ वर्जन 10 की अगर बात करूँ तो वर्जन 10 से 11 में डिफरेंस था 11 से 12 में काफी सिमिलैरिटीज थी एंड 11 और 12 मतलब काफी सारे आपके जो है 10 से 11 में था एंड 11 से 12 आपके काफी सिमिलर है ये यह यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताया मतलब बता रहे हैं कि वही क्या रहेगा इनका प्रोग्राम यहाँ पे क्या ऑफर करेंगे दिस इज द हाउ द सीएच वर्जन 12 एम्पोवर्स यू so this is unique you will learn over 500 unique attack techniques and you know uh, engage hack a real organization scenario to ye kuch is tarah se inka इनका बाकी inka platform hai cyber Q labs wahan pe aap 22 220 challenge build hands on lab practice कर सकते हैं अब इसके बारे में हम बात करेंगे क्या रहता है ठीक है ये यहाँ पे बता रहे हैं so this is the experience ch knowledge exam this is the 125 ये रहेंगे तो वो सी एच मास्टर का इस तरह से कुछ डिफरेंस रहता है अब मैं यहाँ पे हाँ इधर आपको course outline बता देता हूँ तो ये रहे हमारे कोर्स आउटलाइन में मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स मीन्स हियर आर चैप्टर्स यहाँ जो ओवरऑल यहाँ पे uh, हैकिंग या सिक्योरिटी का क्योंकि इसमें एक यू नो इन्वॉल्वमेंट है तो आप जैसे काफी चीजें यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है फायर uh, वॉल थोड़ा बहुत यहाँ पे आया यहाँ पे आया आपका देन यू नो क्लाउड कंप्यूटिंग तो अगर आप बीच बीच में ऐसे आपको कुछ चीजें मिलेंगी सो डोंट मिस अंडरस्टैंड दिस पार्ट एक्चुअली क्या है uh, इन्होंने जो थोड़ा अपना इथिकल uh, हैकिंग का जो सी ने सी का जो सर्टिफाइड इथिकल हैकिंग का पूरा इन्होंने कंटेंट बना रखा है वो इन्होंने जितने मेजर टेक्नोलॉजीज हैं एस सच अगर मैं बोलूं जैसे क्लाउड हो गया वेब एप्लीकेशंस हो गए वेब सर्वर हो गए आईओटी हो गया ठीक है इसके अलावा वायरलेस हो गया एंड ऑफ कोर्स द वायर्ड नेटवर्क उस पर इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके इन्होंने ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहा है ये इन्होंने यहाँ पे डाले हुए हैं तो मॉड्यूल्स आर द चैप्टर्स हियर ठीक है एंड मॉड्यूल्स के विथ इन एक्चुअली आपका मेन Uh, चीजें स्टार्ट होती हैं जैसे इफ आई एक्सपेंड दिस मॉड्यूल 2 विच इज फुटप्रिंटिंग रिकोनिसेंस सो दिस इन्वॉल्व्स हैंड्स ऑन एक्सरसाइज प्लस द की टॉपिक्स कवर्ड द फुटप्रिंटिंग एडवांस्ड गूगल हैकिंग टेक्निक्स डीप डार्क वेब फुटप्रिंटिंग कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस ये आपके चीज इस मॉड्यूल में कवर होती हैं सो यू डोंट रियली ये एक मतलब आपका टॉपिक uh, वाला पार्ट हो गया ठीक है इसके विद जो है ये आपके टेक्निक्स हैं या आपके आ, स्किल्स हैं जो आप कवर करते हो और उसके बेसिस पर फिर यहाँ पे लैब्स ठीक है।, है इस तरह से सिमिलरली आप गोथ्रू करना सारे मॉड्यूल्स आपके इसी तरह से चलते हैं किसी में हाँ लैब्स ऐसा है किसी में कम है किसी में ज्यादा है किसी में बहुत ज्यादा है सो ये होता है अब कुछ चीजें जो आपको मे बी शायद नहीं आ, एक्सप्लेन की गई होंगी वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे शायद डेमो के लिए भी अवेलेबल होंगे सो ऑन दैट यू नो बेसिस यहाँ पे एक दो चीजें आपको बताता हूँ देखो जो इनका ये सीई एच का पूरा प्रोग्राम है ये जो इन्होंने डिजाइन किया हुआ है इसमें एक दो चीजें हैं जो आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है एक तो आपको थोड़ा बहुत नेटवर्क प्लस एंड सिक्योरिटी प्लस का पता होना चाहिए ठीक है नेटवर्क प्लस एंड सिक्योरिटी प्लस एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए और या तो ये और अगर आपने या तो सीसीएनए किया हुआ है जो सिस्को का एक सर्टिफिकेशन है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट अगर आपने ये किया हुआ है इधर दिस और दिस तो आप सीईएच के लिए मैं मैं कहूंगा कि प्रॉपर अगर इफ आई यूज अ वर्ड और इफ आई हैव टू यूज अ वर्ड तो मैं कहूंगा आप क्वालिफाइड टू एंगेज इन टू दी एच क्यों बोल रहा हूं ये मैं नहीं बोल रहा हूं ये आप यहां पे जब गो थ्रू हो गए बट एट द सेम टाइम इतना प्री रिक्विजिट ये आपसे अज्यूम करते हैं कि आपको नेटवर्क फंडामेंटल्स पता हो आपको सिक्योरिटी फंडामेंटल्स बेसिक पता हो आपको सीसीएन या फिर क्योंकि उसमें जो इनको मेजर रिक्वायरमेंट है वो कवर हो जाती है सो इन दैट इंडोर्स नहीं करते हैं ये इंडोर्स नहीं कर रहे हैं ऐसा है चाहिए कुछ लेकिन ये प्रीरिक्विजिट काइंड kind ऑफ of, आप अज्यूम करते हुए चल सकते हो तो स्ट्रॉन्गली सबसे पहले अगर मेरा मेरा सबसे स्ट्रॉन्गली आपको सबसे एक अच्छा सजेशन ये है कोई भी चाहे कोई डेमो के लिए है चाहे कोई यू नो फर्स्ट टाइम यहां पे डेमो ले रहा है या इस पे थोड़ा बहुत रिसर्च अगर आपने किया हुआ है तो मेरा सजेशन ये है स्ट्रांग सजेशन ये है आप अगर सीएच के लिए एक्साइटेड हो इंटरेस्टेड हो भी राइट right? एंड अगर आपका ये वाला नॉलेज कहीं पर लैक कर रहा है ठीक है सो वट आई सजेस्ट यू के आप पहले ये वाला पोर्सन कवर करो एक बार और फिर उसके बाद में आप सी एच को लुक करो ये मैं एक एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस आई हैड इन यू नो विच्रेन को मैंने ट्रेन करा तो उनके साथ में ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जिनको बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते हैं उनको इशूज आते हैं एंड फिर क्या होता है फिर होता ये है दे विल ड्रॉप आउट ऑन दिस एंड बैक सो इट इज मोर लाइक टाइम आपका बहुत, you know, वहां पे काफी consume हो गया, तो आप अगर वो करना चाह रहे हो तो बेटर लुक फॉर दी एच ठीक है क्योंकि बहुत ज्यादा जगह पे आपको जरूरत पड़ेगी इन अ वे कि यहाँ पे बहुत सी चीजें डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन नहीं की जाएंगी रिलेटेड टू नेटवर्क

यू you नो know, पूरा अगर हम बात करें कि पूरा सीसीएनए आपको आना चाहिए पूरा याद होना चाहिए नॉट इन दैट वे लेकिन आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए आपको उसके ऊपर अगर कुछ एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस एज इन द नेटवर्क ऑपरेशन या सिक्योरिटी ऑपरेशन के दर भी अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आप देख कर देख सकते हो चेक कर सकते हो क्यों क्योंकि आ, इसको चलो एक और एंगल से लेते हैं अगर आप कर भी लो सी एच आप कर भी लो तो भी फ्रेशर्स को थोड़े सी एच में जो रोल्स आते हैं जो प्रोफाइल्स आते हैं ठीक है एनालिस्ट इन्फॉर्मेशन एनालिस्ट इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी सॉरी एनालिस्ट सिक्योरिटी एनालिस्ट साइबर यू नो रिलेटेड साइबर इंसिडेंट या इंसीडेंट रिस्पॉन्स इसके रिलेटेड बहुत सारे आपके रोल्स आते हैं तो यार फिर वो रोल्स में ना फिट नहीं बैठ पाते हैं फ्रेशर्स सो so, उसके लिए दे डिमांड कंपनीज डिमांड के एटलीस्ट उन पर कुछ वन ईयर और सो एक्सपीरियंस हो

करियर में एक पॉइंट पे हो जहां पे आपको एक दो साल हो गए हैं अब आप देख रहे हो कहीं पे साइबर सिक्योरिटी डोमेन या में अगर आप करने का देख रहे हो अगर ऑलरेडी हो तो एक यू you नो know, आपको एक ट्रैक uh, थोड़ा सा चेंज करना है डिफेंसिव की जगह आपको ऑफेंसिव भी uh, ये ऑफेंसिव में आएगा सो आपको इन दैट वे ऑफेंसिव डिफेंसिव मिक्स कह सकते हो तो उस वे में अगर आपको चेक करना है तो फिर आप लुक कर सकते हो तो ये सबसे पहले अपने दिमाग में आप बात रख लो आप आज ये चीज सोचना इसके बारे में और उसके बाद में ही आप प्लान करना जो भी प्लान करना ठीक है एंड कंटेंट काफी ज्यादा है कंटेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ट्वेंटी मॉड्यूल्स ट्वेंटी मॉड्यूल्स में थ्योरी भी है लैब भी है दोनों चीजें अगर हम करेंगे तो ऑफकोर्स वी हैव टू

ये ठीक तो ये लैब है ये टो, टोटल ट्वेंटी मॉड्यूल्स है लैब के ठीक है सो आई जस्ट टेल यू कि क्या है अब जैसे ये है ये लैब है अब इसमें आपने देखा दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द इज दीडीएफ हंड्रेड पेजेस राइट अब इसमें अगर हम बात करें तो लैब कहा से स्टार्ट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है इन्होंने फिर मॉड्यूल टू से स्टार्ट है लैब आपका फर्स्ट मॉड्यूल में कोई लैब नहीं है दैट इज ऑल इंट्रोडक्शन पार्ट तो वहां पे कोई लैब नहीं है यहां से आपका लैब स्टार्ट होता है अब अगर मैं एकदम लास्ट में जाऊं यहाँ पे तो इसका लैब कहां पर है लास्ट लैब मॉड्यूल सिक्स पे और मॉड्यूल सिक्स पे ये हाफ है ठीक है दिस इज नॉट फुल दिस इज नॉट कंप्लीट फुल्प्लीट सिम ये आपका मॉड्यूल सिक्स पे आपका लैब है अब जो यहां से ही एंड हुआ है वो आपका यहाँ पे सेकंड पीडीएफ में पिक हुआ सिस्टम हैकिंग से पिक है अब ये कितना है अगेन सिक्स हंड्रेड पेजेस का तो इसको अगर हम लास्ट में देखें एकदम तो ये कहां पे है आपका सिस्टम हैकिंग से लेकर आई बिलीव ये आपका रहेगा शायद लेटमी सी मॉड्यूल एट तो सोचो जो मॉड्यूल सिक्स है वो अपने आप में कितना लेन दी है इसी तरह से यू हैडी you know, well. तो हो गया दिस इज अबाउट लैब ये सब लैब है इसमें कुछ थ्योरी की वो बात भी नहीं करेंगे अब मैं थोड़ा सा अगेन कम बैक टू दिस पॉइंट एंड ये है आपका थ्योरी तो थ्योरी में अगर आप देखोगे ये सारे सेपरेट हैं थ्योरी अब इसमें है मॉड्यूल टू ये थोड़ा सा ज्यादा है, है इसी तरह से अगर हम एक यू नो एवरेज भी लेके चले अब मैं आपको मॉड्यूल सिक्स बताता हूँ ठीक है मॉड्यूल सिक्स सो दिस इज अराउंड थ्योरी ऑफ जस्ट डबल थ्री सिक्सटी टू पेजेस एनी पेज मैं यहाँ पे अब ये सब बता के आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो सुनो कोई भी अगर आप टेक्नोलॉजी किसी भी पर्टिकुलर वेंडर की या किसी भी पर्टिकुलर यू you नो know, जैसे जूनिपर है सिक्योरिटी है, uh, में फोर्टी नेट है सो एनी वे वो आई एम ट्राइंग टू से अगर आप किसी भी वेंडर का कोई कोर्स ठीक है उनका सर्टिफाइड कोर्स या सर्टिफिकेशन अगर आप करते हो तो रिमेंबर दिस के आपका जो ऑफिशियल कंटेंट होता है जो मैंने ये बताया ये एक तरह से कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नॉट नाउ है आई डोंट मीन के यहां पे आपको ये कंटेंट कवर नहीं करवाया जाएगा द स्टाइल विल बी अ लिटिल डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल अब जैसे लैब तो एज इट इज चलेगी उसके लिए तो मैं थ्योरी क्या ही बताऊंगा मैं लैब करूंगा एंड आई बेसिकली स्पीकअप एंड वो आपको क्लियर होता जाएगा कि क्या स्टेप्स हैं ठीक है थीके? तो उसके लिए आपको थ्योरी सच अलग से नहीं है बट ऑफ दिस पार्ट दार्टो इसके लिए like, कंसोलिडेटेडेंट बोल दो जो मैंने अराउंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी पेजेस का एंड दिसमें आपको सारा कुछ है, जो आपके ट्वेंटी मॉड्यूल्स है वो कंप्लीट है यह सिर्फ थ्योरी के रिलेटेड है और ये जो थ्योरी है ये आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इवन फ्रॉम द आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज द नो नॉलेज एग्जाम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो ये उसके रिलेटेड डिजाइन की गई है सो आई एम ट्राइंग टू से हम जो कंटेंट कवर करेंगे या जो हम कंटेंट कवर करने वाले हैं वो यहां से करने वाले आपको इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैं शेयर नहीं करूंगा कंटेंट मैं शेयर करूंगा अपने एंड से आप कवर करोगे लेकिन अगर आप लुक कर रहे हो मैं दोनों मैं थोड़ा सा आपको फ्रेंकली होके बताता हूँ ये चीज अगर आप लुक कर रहे हो फॉर समथिंग कि भाई मुझे मैं मैं इतना बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकता ऑन द डेली बेसिस आई आई एम वर्किंग एज वेल सो हैव द लिमिटेड टाइम टाइम मैं उतना दे पाऊंगा प्लस मुझे यहाँ पे लैब भी करना है वो लैब भी मेरे यू you नो know, uh, मतलब एक बार में तो ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगा तो अगर उस भी में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दिस इज द थिंग दैट यू कैन गो With. मतलब ये आपका आप कह लो कि दिस इज मोर लाइक दैट बुकलेट या जो भी आप कह लो इससे आप गो थ्रू हो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक लास्ट जितने भी कैंडिडेट्स गो थ्रू हुए हैं अगर कुछ मुझे उनके सजेशन मिलते हैं मैं उसमें ऐड भी कर देता हूँ ठीक है बट अदरवाइज अभी तक जितने भी कैंडिडेट्स गो थ्रू हुए हैं तो देवन फेस्ड एनी इश्यूज एज सच इवन फ्रॉम द अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोले चाहे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बात करूं। ठीक है तो मैं यहाँ से और ये जो हाँ एक चीज और ये जो कंटेंट है ये आपका मोस्टली आपका जो मैंने बताया ना बुक जो आपका वो पूरा ऑफिशियल कंटेंट है उसी से बना है सो देर इज नथिंग लाइक के यार अगर आप एग्जाम में अपियर हो तो आपको ये प्रॉब्लम फेस हो जाए कि भाई आ, ये चीज तो नहीं थी है ना तो वो सारा कुछ रहेगा बट बट अगेन समटाइम्स मे बी यू लुक यू नो अदर देन दिस अगर आपको लुक करना है तो वो आप कर सकते हो लेकिन वो आपका चॉइस है पर्सनल चॉइस है ठीक है लैब 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 जो हम करेंगे वही वही में आपके एग्जाम है मतलब लैब्स होते हैं बस सिनेरियो बेस्ड ठीक है? तो सीनेरियो जैसे कई मैं ही बताऊंगा तो वही आपके चलेंगे ठीक है अकॉर्डिंगली इस तरह से मतलब ओवरऑल पॉइंट मेरा ये है कि इस तरह से आपका सीन आई होप आपको इतना पहले तो ये क्लियर हुआ होगा कि हम कवर किस तरह से करेंगे ठीक है अब मैं दो तीन बातें और करूंगा जैसे हाँ, हाँ सारे हैं इसमें ट्वेंटी मॉड्यूल्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे राइट राइट इसमें कोई मॉड्यूल मिसिंग नहीं है सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट होंगे ये कंसोलिडेटेड है इट इज मोर लाइक वो एक आपका बहुत बड़ा सा आपका बुक हो गया ये उसका थोड़ा सा एक प्रिसाइज मॉडल हो गया ठीक है एक बड़ा बुक के कंपेरिजन में दिस इज अ छोटा सा बुक राइट ये इसको कंसोलिडेट किया हुआ है एंड उसका रीजन है मैं रीजन एक्चुअली बताऊंगा अब आपको कि उसका रीजन क्या है ठीक है थिंग so, जहां से हमको कवर करना है अब मैं थोड़ा यहां पर आपको ना एक दो चीजें एक्सप्लेन करता हूं ये मैंने थोड़ा ब्रीफ में अभी आपको एक्सप्लेन करा अब मैं थोड़ा डिटेल में इस चीज को एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं ठीक है सो दिस दिस स्टैंड फॉर सर्टिफाइड इथिकल हैकिंग सो इथिकल हैकिंग द मेन वर्ड टू फोकस हयर इज इथिकल हैकिंग अब अगर आप देखोगे तो आपका इंट्रोडक्शन के बाद में द मेन हैकिंग की तरफ अगर आप देखोगे तो वो यहां पियर हो रहा है टाइटल अगर हम बात करें

इट्स मोर लाइक अ प्रॉब्लम फॉर सम पीपल वॉट के दिडेट्स दे वॉन्ट टू थिंक के जो हैकिंग है दैट दैट फ्रॉम फ्रॉम डे डे वन वन जैसे आज हम अगर हम बात कर रहे हैं सो दे एज्यूम दिस कल से हम हैकिंग शुरू कर दें ऐसा नहीं है ये नॉट ओवर हियर ये कहीं से भी आपका पॉसिबल नहीं है इसका रीजन है ये ऑफिशियली मैं बता रहा हूं जो पूरा है आपके सामने इसलिए मैंने ऑफिशियल ओपन करके रखा है कंटेंट ये जो आपको चीजें दिख रही हैं व्हाट यू आर सीइंग हियर दिस 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 बिफोर कमिंग टू दिस दीस आर द दिस ऑल आर कॉल्ड फेजेस इनको हम फेजेस बोलते हैं फेजेस आर मोर लाइक स्टेप्स कैन इट इज समथिंग लाइक के जैसे अगर हाँ, आ, मैं बोलूं के आपको एक टारगेट अचीव करना है तो आप क्या कर रहे हो वो टारगेट अचीव करने के लिए उसको स्मॉल स्टेप्स में आपने डिवाइड करा है और यू फॉलो आप टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहे ना ओके बिकॉज आपने वो डिवाइड कर दिया ना इट इज सेम हियर बिल्कुल वो सेम है यहां पे क्या है जो आपको हैकिंग करना है या जो आप इथिकल हैकिंग परफॉर्म करते हो या करोगे उसमें आपके ये फेजेस बनाए गए और इन फेजेस से आप गो थ्रू होते हो

क्या करोगे अब नेक्स्ट सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ये बताने का मेरा पॉइंट क्या था याद रखो कि अगर आप अगर आप सीएच अगर लुक कर रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको मैं ये नहीं कह रहा कि सिस्टम हैकिंग हमारा बहुत टाइम बाद आने वाला है जब जैसे ही हमारा कंटेंट शुरू हो जाएगा आप अगर देखोगे विद इन अ वीक और टू ये आपके लैब्स भी स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है तो बैक एंड फोर्थ चलेगा मतलब थ्योरी लैब थ्योरी लैब इस तरह से चलेगा ऐसा नहीं है कि मैं पहले आपके सारे फेजेस बता दूंगा फिर उसके बाद में लैब बताऊंगा वैसा नहीं है थ्योरी लैब दैट इज दैटर्न दैट विल बी दैटर्न बट थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और ये फ्रिक्वेंटली हो जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्रेशर्स में ज्यादा होता है दे आर एक्साइटेड अबाउट दिस पार्ट तो उनको ये यूजलेस लगता है अगर मैं प्रॉपर वर्ड यूज करूं उनको यूजलेस समझ आता है उनको लगता है कि यार ये हमारे मतलब का कुछ नहीं है Whereas, like I said, अगर आप ये स्टेप्स कवर नहीं करते हो तो आप उतना ही वीक रहोगे इस step. Weak, understanding wise, weak आप रहोगे एग्जीक्यूशन वाइज और जब उसका लैब में भी आएगा या जब उसको के बारे में हम बात करेंगे सो यू विल बी क्लू लेस आपको क्लू नहीं रहेगा कि यार बात चल किस बात पर रही है किस बेसिस पे हम ये यू नो अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्योंकि यहां पे क्या है यहां पे मेथड्स टेक्निक्स आ जाते हैं और ये स्टेप्स से अगर आप गो थ्रू नहीं हुए तो आप ये एप्लीकेबल नहीं बना पाओगे यहां अब ये ऑफिशियल मॉड्यूल ही ऐसा है तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता इनफैक्ट अगर मैं जनरली भी बात करूं हैकिंग की पेनेट्रेशन टेस्टिंग की ठीक है क्योंकि एक पेनेट्रेशन टेस्टिंग का पार्ट भी आपका इसी में इन्वॉल्व हो जाता है दैट इज अ गुड थिंग एक आइडिया लग जाता है सो so, अगर मैं ओवरऑल उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो आपका चाहे पेनेट्रेशन टेस्टिंग चाहे ethical hacking, चाहे जनरल हम बात करें so there's a difference. But anyways, ये steps आपके हर जगह होते हैं. These are, you know, one, those things के अगर आपको एक सेंटेंस बनाना है सो यू मस्ट द एबीसी तो ये उस तरह की बात है अब हालांकि एबीसी यहाँ पे ये है ये एबीसी वाला पार्ट जो है ना जो मैं बोल रहा हूँ वो ये है यहाँ और ये ए बी सी को यूज करके हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दिस वुड मेक द सेंस ये वो सेंटेंस का सेंस आपको आउटपुट बताएगा तो ये कहानी है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है चीज मतलब नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड बट अ लिटिल बिट तो इसको करेंगे आसान रहता है ऐसा कुछ मुश्किल नहीं रहता ऑर्गेनाइजेशंस में क्या चलता है वो क्या करते हैं उनके क्या प्रोसीजर्स रहते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो साइमल्टेनियसली बट वो चीजें चलेंगी ठीक है उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग से बता दूंगा जब जिस चीज की जहां पे बात आएगी मैं वहां पे वो एक्सप्लेन कर दूंगा पर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कैसे चलता है एक्टिविटीज क्या होती हैं क्या टूल्स रहेंगे किस तरह से आपको परफॉर्म करने रहते हैं मेनली ये चीज है अब हम अगर बात करें डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट क्या रहता है तो देखो जनरली ये जितना भी आपका यहाँ पे और आगे थोड़ा सा मैं जाऊंगा अभी यहीं पर मैंने थोड़ा एक पॉज लेके अगर आपको बताऊं तो ये जितना भी पार्ट है एज द साइबर सिक्योरिटी अगर हम बात करें तो इथिकल हैकिंग जो आपका डिपार्टमेंट वो सॉफ्ट पे आता है सिक्योरिटी ऑपरेशन जो हैंडल करते हैं जो सेंटर रहता है आपका ऑर्गेनाइजेशन में उसका रहता है अब ये डिपेंड करता है यार क्या डिपार्टमेंट क्यों क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है कि ये कितना डिपार्टमेंट आपका मिड है या कितना आपका लार्ज है क्योंकि ये जितना मिड और लार्ज होगा उसके हिसाब से इसका स्केल उतना ही बड़ा या Mid हो सकता है अब ये आपको क्यों बताया क्योंकि आपके जो रोल्स रहते हैं ना वो उस पर डिपेंड करते ऑर्गेनाइजेशन का जितना बड़ा स्केल होगा ना उस पर आपके रोल्स डिपेंड करेंगे मेजर आपके रोल्स उसी पर डिपेंड करेंगे देखो अगर ऑर्गेनाइजेशन का वर्क ही साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत ज्यादा है ठीक है ओरिएंटेशन उनका बहुत ज्यादा है वहां पे तो वो उतना ज्यादा ट्राई करेंगे कि अपना यू you नो know,

जो है क्या आ रहा है राउटिंग प्रोटोकॉल स्विचिंग पार्ट वो उस पार्ट को ज्यादा आपका टच करता है सिक्योरिटी उन्होंने थोड़ा सेपरेट इसलिए रखा है कि जिससे ये एक आपका सेपरेट क्योंकि सिक्योरिटी में क्या है आपके एक तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है ठीक है और दूसरे से प्रोडक्ट्स और आपके सॉल्यूशंस बहुत है कोई अगर एक चीज है एक आपका इंफॉर्मेशन है एक कोई इंफॉर्मेशन है इस इंफॉर्मेशन को आप एक डेटा ज्यूम कर सकते हो इसको सिक्योर करने के लिए देर आर मल्टीपल लेयर्स लेयर्स जो अप्लाई अप्लाई की जाती हैं अब वो के बेसिस पे जब होता है मतलब इसको सिक्योर करने के लिए सो हम लेयर ऐसे कुछ लेयर इसको तो अगर आप ये लेयर ले करोगे ये लेयर फेस करनी पड़ेगी ये लेयर बायपास करोगे तो ये लेयर फेस करनी पड़ेगी तो अब ये जब लेयर्स आ जाती है ना तो बॉट एटलीस्ट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मिड ऑर्गेनाइजेशंस में आपको मीडियम लेवल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या मिलेगा कि लेयर्स बायपास करने के लिए ये टीम्स ऑपरेट करती हैं जो डिफरेंट रोल्स पर मैंने बताया ना वो टीम्स होती हैं तो ये होता है मेनली तो आपका जो रोल रहता है वो रिलेटेड टू समवेयर एनालिस्ट्स और अभी इनिशियली अगर हम बात करें एनालिसिस के रोल पे मॉनिटरिंग के रोल पे मे बी यू नो इस इन सब चीजों के रिलेटेड रहता है अब जैसे, जैसे अगर आपको पेन्यूट्रेशन uh, टेस्टिंग में एक्सपर्ट करना है आपको सो यू कैन लुक फॉर दिस पार्ट टेस्टिंग अगर आपको इंसिडेंट हैंडलिंग में करना है so क्लाउड सिक्योरिटी अगर आपको चेक करनी है सो दिस क्लाउड सिक्योरिटी बिजनेस कॉन्टीन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी सो दे है सिक्योरिटी सिक्योरिटी ऑपरेशन एंड मेनली पर्टिकुलर रिलेटेड टू यस साइबर सिक्योरिटी एंड पेनेट्रेशन टेस्ट तो डिपार्टमेंट के बेसिस पे शॉक आपका टीम रहेगा और उसमें आपका रोल फिर कुछ भी हो सकता है बट अगेन जो मैंने शुरू में बोली थी वो बात अभी भी एप्लीकेबल है कि फ्रेशर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है एटलीस्ट फॉर टू इयर्स मान के चलो एक साल तो पक्का दो साल भी लग सकता है तो जब तक वो नेटवर्क ऑपरेशन उतने नहीं देखे होते किसी ने सो दे डोंट टेक द रिस्क एनी नाउ कंटिन्यूइंग फर्दर थोड़ा आपको

जो आपका पार्ट रहेगा रिगार्डिंग द रिसर्च रिगार्डिंग प्लानिंग, रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन में आ जाएगा तो क्वेश्चन ये भी आता है कि फिर बाद के मॉड्यूल्स हैं किस लिए है ना सो so, बाद में जो मॉड्यूल्स हैं आफ्टर द मॉड्यूल्स आर हियर दीज आर रिलेटेड टू गिव यू एंड आप कह सकते हो मोर रेंज और मोर स्कोप

sniffing social engineering dos session hijacking एंड ठीक है चलो ये भी ले लेता हूं evading ids firewall and honeypots ये जो है ये टॉपिक्स आपके क्या अटैक्स पर रिलेटेड है एंड ये जो टॉपिक्स है ना इनके रिलेटेड आपको यहां तक बहुत कुछ पता चल जाएगा एक्चुअली आपको सारा कुछ पता चल जाएगा तो फिर ये टॉपिक अलग से क्यों दिए हुए हैं क्योंकि इन टॉपिक्स का सिर्फ एक आपको आईडिया दिया हुआ है और इन टॉपिक्स के रिलेटेड आपको ये बताया जाएगा अप टू मॉड्यूल 6 तक कि ये होते क्या है लेकिन इसके बाद में मेलबेर थ्रेड्स के बाद में जब ये सेपरेट टॉपिक्स आ गए इस पर आपको बताया जाएगा कि इनको एग्जीक्यूट करने के लिए किया क्या जाता है ओके okay. सो so, इसलिए ये टॉपिक्स क्या है इन्होंने सेपरेट रख दिए जैसे कि स्निफिंग सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स डॉस अटैक्स डी अटैक्स सेशन हाईजैकिंग अटैक्स एंड ईवेडिंग आईडिया चीज फिर वी हैव हैकिंग वेब सर्वर्स वेब एप्लीकेशन तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहे सर्वर्स, स्पेशली वेब सर्वर एप्लीकेशन सर्वर एंड इवन द डेटाबेस सर्वर ये किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रियो होता है, like trio, के है फिर एप्लीकेशन सर्वर है और फिर डेटाबेस सर्वर तो इन पे अटैक्स करने के मेथड थोड़े से हम जो यहाँ पे कवर करेंगे उनमें उन वो सारे मेथड्स नहीं आ पाएंगे ना, क्योंकि ये कुछ ऐसी बात है कि ये थोड़ी स्पेसिफिक टू टेक्नोलॉजी रिलेटेड होते हैं जैसे सॉरी स्पेसिफिक टू दैट टेक्नोलॉजी ही कंडक्ट किए जाते हैं तो इसलिए इनका इन्होंने मॉड्यूल अच्छा अलग रख दिया है लेकिन नाउ हियर कम्स द प्रॉब्लम जो इनके जो सी एच के मेरे को जनरली मॉड्यूल्स में मेरे को लगी अब प्रॉब्लम क्या है अच्छी बात भी है लेकिन थोड़ी सी इश्यू भी है क्या है कि जो इन्होंने कंटेंट बनाया है उस कंटेंट में इन्होंने ये वेब सर्वर एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस सर्वर इसका पूरा ऐसा समझ लो कि इन्होंने एज एन एडमिनिस्ट्रेशन साइड का एक्सप्लेनेशन किया है नाउ आई हैव टू पॉइंट्स हियर जो आपको अंडरस्टैंड करने चाहिए आई एम नॉट अगेंस्ट के आप वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझो एक्चुअली अगर आप वो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट अंडरस्टैंड करते हो तो आप बेटर हो यू विल बी बेटर इन अंडरस्टैंडिंग के हुआ क्या बट क्या वो हमारे लैब में आता है सिनेरियो नहीं क्या वो अगर हम बात करें एज इन कंटेंट क्या हमको वो उतना मिल जाएगा जितना हमें समझ में आ जाए है? तो ये तीन मॉड्यूल्स को काफी कंसोलिडेट मैंने किया होगा ठीक है तीन मॉड्यूल्स हैं ये हैकिंग वेब सर्वर वेब एप्लीकेशन बेस सर्वर का है जिसमें पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो आपका आपका होता है है या सीक्वल बोलते हैं वो आपका यहां पे आता है। अब ये तीन मॉड्यूल के बाद में ये एक आपका यू नो ट्रियो जो मैंने बताया टेक्नोलॉजी सेपरेट हो गई फिर आगे एक और टेक्नोलॉजी विच इज वायरलेस अब वायरलेस एक सेपरेट चीज है तो उसके रिलेटेड आपके हैकिंग वायरलेस नेटवर्क आएगा अब इसमें अटैक्स फिर से थोड़े से चेंज हो जाते अटैक्स क्यों क्योंकि ये नेटवर्क अलग है टाइप अलग है ये नेटवर्क का तो इसमें attacks थोड़े से बदले तो इसलिए हैकिंग वायरलेस नेटवर्क ये फिर इन तीन के बाद है अलग से रखा गया फिर आता है मोबाइल प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी बदल गई चेंज हो गई तो मोबाइल प्लेटफॉर्म के रिलेटेड लेकिन अपने कंटेंट में एक चीज बता देता हूं ये ऑफिशियल है एंड्रॉइड पे ही है आईओएस पे नहीं है अपने कंटेंट जो हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म्स है फॉर सम रीजन इनका जो आ, आ, हैकिंग मैप मोबाइल प्लेटफॉर्म जो मॉड्यूल है ये पूरा मॉड्यूल एंड्रॉइड मशीन पर करना तो हम भी एंड्रॉइड पे करेंगे हाँ कुछ वहां पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कुछ थ्योरी में आपको इस तरह से चीजें आ जाएंगी जिसमें आपको uh, Mac, जो मैक ओएस कह रहा हूँ सॉरी आईओएस जो है उस पे भी आपको मालूम चल जाएगा कि भाई आ, ये चीज आईओएस पे भी है मतलब ऐसा नहीं है कि आईओएस इज कम्प्लीटली सेफ वो आपको आइडिया हो जाएगा लेकिन लैब कि अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मोस्टली most, क्या ये आपका एंड्रॉइड पे ही देन अगेन दो बार नेक्स्ट टू टेक्नोलॉजीज आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी जो जो रिलेटेड रहती है विद दिस यू नो कि जो आपके यू नो स्मार्ट डिवाइसेस सो कॉल्ड आप बोलते हो इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस जो हो सकते हैं मे बी स्मार्ट टीवी स्मार्ट एसी वॉट स्मार्ट डोर्स सो उसके रिलेटेड क्लाउड कंप्यूटिंग ये क्लाउड जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप यू नो क्लाउड प्लेटफॉर्म जो आप यूज करते हो आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है अगेन क्लाउड में, भी इन्होंने बहुत, कुछ दे है, में इन्होंने बहुत कुछ तो ये भी कंसोलिडेट काफी अच्छे से किया हुआ है लेकिन अगर आपको डीप में करना है तो आप रेफर कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ ना आए समझ में तो आप वो पूछ भी सकते हो लेकिन यहाँ पे और, you know, जो, hashing, ये जो सारी चीजें आपकी आती है डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन क्या रहते हैं इस तरह के कुछ जो मेजर मेजर टर्म्स हम जो सुनते हैं यूज करते हैं उसके रिलेटेड पूरा क्रिप्टोग्राफी का इन्होंने अलग से मॉड्यूल बना रखा है सो दिस इज अवर तो ये, ये रहेगा मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है अब एक दो चीजें और हैं रिगार्डिंग नाउ दिस इज रिगार्डिंग लैब ये पर्टिकुलरली आई होप मॉड्यूल समझ आया आपको क्या है मॉड्यूल में कंटेंट वो समझ आया कि क्या मॉड्यूल में क्या चीज रहेगी कौन से मॉड्यूल में क्या है अब मैं थोड़ा लैब पॉइंट ऑफ व्यू से यार आपसे बात करना चाहूं देखो यार लैब के आपके पास में ऑप्शन है ऑप्शन क्या है जो इनको बताया था मैंने एक तो या तो साइबर क्यू आप यूज करो है ना वो इनका इट्स थिंग like kind of तो आप वो यूज कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो अपने मशीन पर लैब सेटअप कर सकते हो मैं आपको आज एक मशीन का लैब सेटअप करके दिखा भी दूंगा एक्चुअली आज वो ही देखना है हमको और ये इंट्रोडक्शन का ही पार्ट देखना है तो लैब सेटअप आप अपने मशीन पर भी रख सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो इनका जो साइबर क्यूब प्लेटफॉर्म है वहां पर भी आप रजिस्टर करके आप यूज कर सकते हो नाउ अगर मेरे से पूछा जाए व्हाट्स माय चॉइसेस मेजरली अगर मैं बात करूं तो आपका लैब जो है वो आपका अगर आप अपने सिस्टम पे बनाते हो अपने सिस्टम पे क्रिएट करते हो तो आपको ट्रबल शूटिंग का आइडिया बेटर होता है मच बेटर होता है क्यों रीजन है उनका स्टेबल प्लेटफॉर्म है बहुत ज्यादा स्टेबल मतलब सारी चीजें ऑलरेडी सर्वर पे होस्टेड है सारे टूल्स अवेलेबल है हैं सब चीजें हैं चलो टूल्स वगैरह तो मैं भी दे दूंगा मैंने पूरे फोल्डर बना रखे हैं तो वो मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा नो इन दैट बट आई होप यू गेट गेट द पॉइंट पॉइंट के point क्या है कि भाई ट्रबल शूटिंग आपको बहुत बेटर नहीं आ पाती वही अगर मैं अपने ही प्लेटफॉर्म पे लैब क्रिएट करूंगा अब आप कहोगे अपने प्लेटफॉर्म पे हम कैसे कर सकते हैं ना कि यहाँ तो बात हो रही है वेब सर्वर की मैं कैसे अपने मशीन को वेब सर्वर बनाऊं यहाँ बात हो रही है मोबाइल नेटवर्क की कैसे मोबाइल नेटवर्क तो वो करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं बट आप कर सकते हो कहने का मतलब यह है। तो मैं प्रेफर करता हूँ और मैं जब लैब कर भी रहा हूँ तो मैं अपने ही सिस्टम पे कर रहा हूँ एक ऐसा मॉड्यूल है जिसकी मैं लैब आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं लेकिन मैं करके नहीं बता पाऊंगा रीजन है उसका वो बाय द वे वो मॉड्यूल है मॉड्यूल फिफ्टीन इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं और इसका लैब कुछ खास है नहीं तो इसको चलो अवॉइड करते हैं फिर भी फिर भी हम इसको अवॉइड कर सकते हैं फॉर मिनट इसके बारे में बात करते हैं सीक्वल तो इसका प्रॉब्लम क्या है जो डेटाबेस है जो डेटाबेस सर्वर है ना एस पर जो लैब इन्होंने बनाए हैं या बताए हैं हमारा डेटाबेस और वो डेटाबेस में एक ये है मतलब मेजर चेंजेस तो उनके डेटाबेस पे अटैक्स हुए हैं हम जब अपने डेटाबेस पर कंडक्ट करते हैं वो अटैक वो नहीं पाते कंडक्ट करके बता दूंगा आपको लेकिन आप आउटपुट नहीं देख पाओगे तो आइडिया लग जाएगा आपको मैं बता भी दूंगा कि इससे हुआ क्या या होगा क्या बट डोंट एक्सपेक्ट कि आप इसमें वो सेम रिजल्ट देख लो दैट्स द ओनली पॉइंट बाकी जो लैब्स हैं उसमें आपको एग्जैक्ट सेम रिजल्ट मिल जाते जो कि कंडक्ट किए हुए हैं और जो आउटपुट में जो उनका लैब मॉड्यूल है ना एग्जैक्ट रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं

उन्होंने अवॉइड करा है उन्होंने समझ लिया है कि हुआ क्या क्योंकि यहां तक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि चल क्या रहा है किस तरह से एग्जीक्यूशन चल रहा है तो यहां तक पहुंचते पहुंचते दे गेट द आइडिया बॉस क्या होने वाला है एंड देन इट इज जस्ट अबाउट अ डिफरेंट टेक्निक क्योंकि सिक्वल एक आपका लैंग्वेज अलग है उसमें रिक्वेस्ट क्वेरीज हम अलग तरह से करते हैं सो दैट्स द ओनली पार्ट मेथड वगैरह में हम बहुत ज्यादा नहीं अदरवाइज अगर हम बात करें तो ये रहता है आपका कि भाई कोई बहुत ही यू you नो know, नया हो गया Not as such, anything as such, ये चीज है हम बात कर रहे हैं तो लैब अगर मुझे सेटअप करना है अपने मशीन पे या अपने ही एंड पे तो मुझे क्या चाहिए मुझे रिक्वायरमेंट क्या है क्या मुझे कुछ सर्वर लेना पड़ेगा या क्या है तो ठीक है ये यह यहाँ पे थोड़ा बहुत इनके क्यू एन एज है यहाँ लो एफ ए क्यूज काइंड ठीक है ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आप रीड कर सकते हो अगर आपको तो थ्रू करना है तो आप एक बार कर सकते हो आर रिलेटेड टू द ये ब्रोशर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ये सेम ही मिलेगा ब्रोशर कुछ अलग नहीं है एंड हु इज इट फॉर कौन क्या कर सकता है क्या जॉब रोल्स रहते हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है ये चीज न्यू सी एच एज नॉट न्यू मतलब ये वही है आपका सी एच वर्जन टूल्व जब भी आया था ये उसके रिलेटेड बात किया गया है एंडका ये, ये, ये आपकी रिक्वायर्ड मशीन्स है सो यू है ये क्योंकि टू के नाइनटीन एंड टू के ट्वेंटी टू दो सर्वर्स का यूज होगा लिनेक्स मशीन Ubuntu एंड and एंड्रॉइड अब पूरा थोड़ा सा मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं आपको क्या करना है VMware वर्क स्टेशन ये डाउनलोड कर लेना है आप ठीक है VMware Workstation. वर्क स्टेशन यहां पर आ जाना डाउनलोड वर्क स्टेशन प्रो अच्छा ये डाउन है थी? ये डाउन है इसके रिलेटेड शायद मेल भी आया था मैं भूल गया एक बारी बैक करना यहां से करना क्लिक सो दिस इज एक्चुअली अंडरगोइंग मेंटेनेंस नो प्रॉब्लम नो इश्यूज सो एनीवे चलो एक काम करना बता देता हूँ ठीक है आपको आना है प्लेलिस्ट पे हम्म ये रहा ये प्लेलिस्ट पूरी चेक कर लेना आप एक बार ओके सो so, ये वर्जन 10 का सेटअप है वर्जन 10 का सेटअप भी सेम ही करते थे हम बी एम बी वर्क स्टेशन ही यूज करते थे तो ये आपको यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग बी एम बी वर्क स्टेशन अभी लैब इनिशियली स्टार्ट नहीं होगा इस वीक तक आपका थोड़ा टाइम रहेगा आपका तो आप तब तक एटलीस्ट ये सेटअप कर सकते हो इसके बाद में नेटवर्क सेटिंग विंडो सर्वर इंस्टॉलेशन एंड इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी फिर ये बीच बीच में इसमें सेटअप आएंगे टर्न ऑफ क्या करना है आपको क्या इंस्टॉल करना है सीक्वल आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ये दो वेबसाइट गुड शॉपिंग वेबसाइट एंड मूवी स्कोप वेबसाइट या मैं अटैक्स के लिए यूज करना है इनको हम बाद में यूज करेंगे जस्ट मैं अभी बता रहा हूँ ये अभी से मत कन्फिगर करने बैठ जाना ये बहुत बाद में आए तो इस क्योंकि क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है इसमें तो इसमें टाइम आप मत लगाना बाकी इनिशियल सेटअप देख लेना अब आपको विंडोज पे एट यहाँ पे यूज नहीं होता तो आपको इंस्टॉल नहीं करना है आपको करना है विंडोज इलेवन बता रहा हूं कैसे होगा आपको यहाँ पे कैली लिनक्स होगा कैली लिनक्स इंस्टॉल नहीं करना है क्योंकि अब आपके काम का नहीं है आपको करना है इंस्टॉल क्या सिस्टम। आपका वही है इस पूरे मॉड्यूल में तो वो मैं बताऊंगा वो कैसे होगा so ये आप पूरी प्ले लिस्ट एक बार चेक कर लेना ठीक है ये में सम, uh, 48 बट तीन -तीन, चार चार मिनट के हैं छोटे छोटे हैं जिसमें वाले जितने भी हैं वो अवॉइड करो कैलीस के जितने वीडियोज हैं और विंडोज एट के जितने एक दो मशीन करके बता रहा हूं ठीक है लैब सेटअप आपको देखना पड़ता है लैब सेटअप मैं बता देता हूँ बट करके आप देखोगे रिक्वायरमेंट मैं बता देता हूं लेकिन करना आपको है। ये जो सेटअप है ये कॉन्फ़िगरेशन, ये इसके प्लेलिस्ट इसलिए है कि ये आपको सेटअप अपने एंड से चेक करना पड़ेगा रिसोर्सेज क्या रहेंगे क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं अपने एंड से बता दूंगा Uh, नहीं फिर उसके लिए आप फिर वो साइबर क्यू प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो नो no इश्यूज़ अगर ऐसा है आप यू कैन यूज दैट है ना सारे के अंदर राइट बता रहा हूँ मैं शो कर रहा हूँ जस्ट मिनट एनीवेज़ देखो क्या होता है ये मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ ठीक है सो वॉट इज द थिंग ये होता है आपका वर्क स्टेशन सो देता हूँ कि वर्चुअलाइजेशन में होता क्या है आपका जो मशीन है ये आपका होस्ट मशीन है आपका होस्ट मशीन पे एक टेक्नोलॉजी सपोर्ट होती है वर्चुअलाइजेशन ये वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी अगर आपके मशीन पर सपोर्टेड है तो आप क्या कर सकते हो इस होस्ट को इस पे रिसोर्सेज है रिसोर्सेज मतलब रैम स्टोरेज है ना प्रोसेस Process, प्रोसेसर ये चीजें आप यूटिलाइज कर सकते हो ना बेटर वे ये सारी चीजें हमेशा यूटिलाइज नहीं हो रही हैं तो आप इन बेटर वे कैसे यूटिलाइज कर सकते हो कि आप क्या करोगे आप ये जो वर्चुअलाइजेशन है जैसे वीएमवेयर ये वेंडर्स होते हैं ठीक है, Air, e ये vendors है. तो ये तो इन, इनका आप इस तरह से सोल्यूशन जैसे बी एम वर्क स्टेशन ये सोल्यूशन जैसे मैंने यूज करके आप क्या कर सकते हो देर हो। और ये वर्चुअल मशीन सारी है कहा प्रेजेंट है इसी हो से. ये जो आपको दिख रहा है विंडोज टेन पैरट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम यू बंतु विंडोज सर्वर एंड्रॉइड भी है वो हाइड कर रखा है अभी बट ऑल दीज ये आपके इस तरह से वर्चुअल मशीन क्रिएट होते हैं, नहीं है वो मैं आपको क्रिएट करके अभी बता भी रहा हूं, बताता हूं थोड़ी देर में बट दिस इज वॉट हैं सेपरेट होते हैं और ये आपके कहा होते हैं कंटेन होस्ट पे अब इसके लिए भी रिक्वायरमेंट है क्या रिक्वायरमेंट है क्योंकि देखो एटलीस्ट दो मशीन तो रहेंगी अपने जब आप टास्क कर रहे हैं लैब कर रहे हैं तो एटलीस्ट दो मशीन तो रहेंगी क्या है एक तो अटैकर की मशीन हो गई अटैकर मतलब हम ट्राई करेंगे बीइंग द अटैकर एग्जीक्यूट करने के लिए अटैक और एक आपकी मशीन होगी थर्ड मशीन ही मेजर इश्यूज करती है आपके कर, मतलब पॉइंट अगर मैं बात करूं तो करेगी तो इसका क्या मतलब सीन क्या है मैं बताता हूं देखो एटलीस्ट आपके मशीन पर रैम 12 बी रहे तो सफिशियंट है सफिशियंट अगर इससे ज्यादा है तो अच्छी बात है नहीं है तो एटलीस्ट तो लगे। अगर मैं हार्ड डिस्क की बात करूं या स्टोरेज की बात करूं तो आपका स्पेस फ्री स्पेस एटलीस्ट 512 मतलब एक टीबी तक आपको कुछ नहीं चाहिए एटलीस्ट आपका 500, 500 के अराउंड आपका फ्री स्पेस बट होना चाहिए तो ये चाहिए है आपको दो चीजें एटलीस्ट आपकी रिक्वायर्ड है अब इसके अलावा एक थर्ड चीज और आती है समथिंग कॉल्ड लॉजिकल कोर ठीक है इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये मैं दिखा देता हूं थोड़ा आपको देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपको कुछ दिख रहा है कोर सिक्स लॉजिकल प्रोसेसर ट्वेल्व तो ये क्या होता है ये ही जो हम वर्चुअलाइजेशन कर रहे हैं ना इसी के लिए इसका रिक्वायरमेंट आप क्या करते हो आपके जो ओवरऑल कोर है छे उसके डबल ट्वेल्व लॉजिकल कोर है तो अगर आप एक वर्चुअल मशीन को एक like ये उसका ये उसके लिए है. तो वो थोड़ा सा फास्ट एक्ट करता है जब आप ऑपरेशंस करोगे जब आप टास्क करोगे तो वो ज्यादा बेटर एक्ट करता है अब मैं नहीं कह रहा कि आपके इसमें भी सिक्सटीन होने चाहिए आपके में अगर एट है फोर uh, है फोर का डबल लॉजिकल अगर आपके एट है तो दैट इज गुड क्योंकि आप फिर अलोकेट कर सकते हो अलोकेशन जब मैं अभी बताऊंगा तो सो so गेट ये पूरा का पूरा अपना सिनेरियो चलता है ये है बॉस ये अपना सेटअप अब साइबर में आप ये सब एक्सपीरियंस नहीं कर पाते तो स्क्रैच से आपको नहीं आएगा और थोड़ा सा जब हम एनी anyway, वे जब हम टूल्स या सोल्यूशन यूज करेंगे तो उसमें ट्रबल शूटिंग भी होती है वो ट्रबल शूटिंग भी आपकी मिस हो जाएगी अगर चाहते हो तो वो काम कर सकते हो अदरवाइज ये आपके लिए भी आगे के लिए देखो यूज होगा अगर आप ट्वेल्व जीबी जैसे रैम कर लेते हो तो दैट इज नॉट समथिंग वो आगे यूज नहीं होना हाँ बट स्टोरेज का याद रखना यार क्योंकि क्या होता है ये जो वर्चुअल मशीन है ये एक्सपेंड होते हैं तो इनिशियली इनको मैं बताऊंगा इसको भी कैसे आप पॉज कर सकते हो लेकिन ये चीज रहेगी फाइनली एंड प्रोडक्ट आपका कैसा होता है एंड प्रोडक्ट मैं एक ओपन करके बता रहा हूं जैसे विंडोज टेन मशीन मैंने ओपन करा तो एंड प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरह से होगा दिस इज मोर लाइक अ रियल मशीन मोर लाइक अ रियल मशीन ठीक है वर्चुअल Virtual मतलब वर्चुअली कर रही है मेरे फिजिकल डिवाइस सो इट्स लाइक दैट आगे एक्सेस राइट दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द इंटरनेट यहां पे आप देख रहे हो ये रहता है आपका वर्चुअल मशीन का सिनेरियो अब इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं ये भी सुन लो एस पर इन योर कंटेंट जो मैंने अभी शो करा मैं दोबारा दिखा देता हूं um, कहा गया मैंने आई थिंक आई क्लोज दैट सी ठीक है um. So, यहां पे कहा था यार मैं सर्टिफाइड हाँ व्यू कोर्स सो देखो यार एज पर इन योर कंटेंट आपके पास में क्या है आपके पास में जो मशीन्स हैं दो मशीन्स बहुत ज्यादा नहीं है थोड़ा सा स्लाइट चेंज है मेरे मशीन्स में टास्क में कोई चेंज नहीं आएगा जो टूल्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा सा, बाकी सारी चीजें एज इट इज है ठीक है तो मेरा जो इन्वायरमेंट है ये जो वर्चुअल इन्वायमेंट है इसमें है विंडोज टेन अब आप बोलोगे विंडोज दो क्यों है मेरे पे सो so कुछ इस जगह पे कुछ लाइसेंस के इश्यूज होते हैं ठीक है तो मतलब ऐसा है कि ये टूल जो कुछ टूल्स हैं वो ट्रायल या लाइसेंस पे थे वो लाइसेंस एक्सपायर हो गया इट हैज बीन ओवर एन ईयर अब आपका वर्जन ट्वेल्व जो है तो वो लाइसेंस टूल्स थे वो एक्सपायर हो गए तो इसके लिए मैं एक और मशीन यूज करता हूं आपको नहीं करनी आपका जो मेन रहेगा वो विंडोज इलेवन रहेगा बट बट बिकॉज़ विंडोज़ बिट है अगर आपको मैं क्यों चूज करता हूं दिस इज मोर लाइक स्टेबल फॉर मी जो मुझे टास्क करने हैं मुझे जितने भी लैब्स करने हैं मुझे जो समझना हैकिंग इन हैकिंग टूल्स यूज करके वो सारे इस पर कंडक्ट हो जाते इसलिए नहीं, नहीं होगा लेकिन हो सकता है कुछ जगह पर पे पे मिले मैं बस इतना बोल रहा हूं। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको क्या करना है ठीक है सिमिलरली यहाँ पे विंडोज सर्वर मशीन 19 है लेकिन मेरे पे विंडोज सर्वर विंडोज सर्वर मैंने 2022 नहीं करा रादर मैंने यूज करा है ट्वेंटी ऐसा नहीं है कि अब 2016 स्टेबल है ऐसा कुछ नहीं है मेरा लैब सेटअप एक्चुअली कुछ जो वहां पे जैसे कुछ वेबसाइट्स और आ, कुछ और चीजें थी उसका मेरा 2016 पे ही बना हुआ था तो वो मैंने शिफ्ट नहीं करा टू अ न्यूअर वर्जन मैं कर सकता हूं लेकिन वो नहीं करा मैंने आप और क्यों नहीं करा डिफरेंस नहीं है डिफरेंस नहीं है अगर डिफरेंस होता मैं कर लेता जैसे कैलिने अब नहीं यूज होता तो पैराटोएस पे मुझे करना पड़ा तो पैराटोस है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये इनका एक मशीन यूज होता है कम यूज होता है लेकिन स्टिल होता है करा मैंने एंड्रॉइड है तो मैंने एंड्रॉइड की जगह ऐसा नहीं कि कोई अदर यू नो प्लेटफॉर्म ले लिया तो ही रहेगा जो मेन है वो मैंने एज इट इज रखे अब ये मैं आपको क्लियरली क्रिस्टल क्लियर करके इसलिए बता रहा हूँ अभी से ट्रांसपेरेंट इसलिए बता रहा हूं कि आप अपना यहाँ पे आपकी चॉइस पे आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या रखना है मैंने अपना पॉइंट बताया कि मैंने क्यों रखा है रीजंस क्या हैं मना नहीं कर रहा हूं सेम ही चीज होगी सेम एक्टिविटीज होंगी लेकिन कभी कभार अगर आपका कुछ विंडोज 11 में हुआ कुछ वहां पे अभी यू नो चीज़ें स्टिल ऑन गोइंग ऐसा नहीं हो कि फिर कोई टास्क में परेशान इसलिए बोला वैसे नहीं होगा लेकिन स्टिल चांसेस ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं ये रीजन है राइट तो ये पॉइंट है मेरे ये मशीन इंस्टॉल करने का अब आपको ये मशीन के लिए चाहिए क्या होता है हम उस पर बात कर लेते हैं सो so यू है, है लेकिन फिर भी आई एस ओ डाउनलोड सपोज करो आपको सिक्सटी फोर बिट का आई एस ओ चाहिए ये आ जाएगा ये इंस्टॉलेशन असिस्टेंट है ये रहा आपका डिस्क इमेज आई एस ओ बड़ा साइज होता है इसका सिक्सटी फोर बिट काफी बड़ा सा साइज होता है ओके okay? तो टाइम लगता है इंटरनेट कनेक्शन मेक श्योर sure आपका अच्छा हो हाँ, 64, अब चाहे आप टेन लो चाहे इलेवन लो वो आपकी चॉइस है ठीक है आपको विंडोज सर्वर चाहिए है सर्वर ट्वेंटी आई एस ओ ये वैल्युएशन पे आएगा evaluation, मतलब दिस इज फॉर डेज डेज मोर देन एन डेज़ मोर ठीक है इतना लंबा अपना बैच भी नहीं चलने वाला तो आपके सारे टास्क हो जाएंगे डेज़ के लिए ये वैलिड रहेगा सब है। सब है सब है इंस्टॉलेशन डाउनलोड ये क्लिक करोगे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ठीक है अब जो बंतु डाउनलोड करंट वर्जन इनका देख लेना जो भी चल रहा है क्योंकि रिलीजेज होते रहते हैं लेटेस्ट वर्जन ये है यहाँ पे आप डाउनलोड करोगे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी दिस इज यू बंधु फॉर डेस्कटॉप ठीक है इंस्टॉलेशन में बाकी उसमें है वीडियो में है यू के कैसे आपको डाउनलोड करने के बाद में इंस्टॉल कैसे करना है वो वहां पे गिवन है बाकी मेन आपका पैराटूस अब इसमें आपको जो डाउनलोड करना है दैट इज द सिक्योरिटी एडिशन क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एडिशन है आपको डाउनलोड करना है सिक्योरिटी एडिशन ये इसके डिफॉल्ट क्रेडेंशियल मिल जाएंगे ये आपको डाउनलोड कर ले रीजन कुछ नहीं है पे भी, सेमी चल रहे है, इस पे भी है। मतलब वो मोर लाइक like आपका उसी वो भी यह सेम ही है, है भी, लेकिन ये थोड़ा और ज्यादा ओरिएंटेड कर दिया है द पेनिट्रेशन टेस्टिंग ये रीजन है और कोई ऐसा सच रीजन अलग से मुझे समझ नहीं आया क्योंकि वो ही चीजें बहुत सारी चीजें उसमें भी सेम ही एप्लीकेबल हो रही हैं टिल डेट सो देर चेंज इन दैट वे तो ये चीज है अब मेरे पास में आई एसओम है इंस्टॉलेशन एक क्विक करके दिखाता हूँ ठीक है कि कैसे आ, करते हैं आपको क्या करना पड़ता है फाइल पे जाना होता है दिस इज द सेम फॉर एवरी वर्चुअल मशीन ये बाय द वे उन वीडियोस में है सारा कुछ लेकिन पैर ओएस इंस्टॉलेशन नहीं है तो मैं वो पर्टिकुलर बता रहा हूं आपको अब ये आपका uh, मेरा सिक्सटीन है आपका सेवनटीन था शायद वहां पर करेंट जो है सेवनटीन प्रो था मेरा सिक्सटीन है uh, मैं करूंगा नेक्स्ट कस्टम कस्टम ऑप्शन एंड ये रिकॉर्डिंग में हो रहा है तो आपको मिल जाएगा सारा कुछ कस्टम नेक्स्ट नेक्स्ट एंड आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर मेक श्योर टू चेक दिस ऑप्शन यहां पे चेक मत कर देना इंस्टॉल डिस्क इमेज चेक करना और आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट अब यहां पे आपके ऑप्शंस आ जाते हैं विंडोज तो यहाँ पे आपका आ जाएगा मतलब और उसके बाद में विंडोजनेशन एटेन ये सब है यहीं पे आपको Windows सर्वर मिल जाएगा 2019. अब मेरा जो वर्क स्टेशन है है का ही नहीं 17 प्रो पे हो गया है। तो आप करोगे वहां पर वो अवेलेबल मिल जाएगा तो आप आई 2016 है ना तो ट्वेंटी की जगह आप ट्वेंटी ट्वेंटी हो नो प्रॉब्लम एट ऑल बस अंतर कितना होगा जो चीजें ट्वेंटी दिख रही होंगी वो ट्वेंटी हो ट्वेंटी इसके अलावा लिनक्स पे आएंगे हम लिनक्स पे हमको मिलेगा देखो लिनक्स पे युबंतु तो स्ट्रेट अभी मिल जाएगा ठीक है पेरेट ओएस का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तो पेरेट ओएस के लिए सो देर आर डिफरेंट इन लिनक्स आपको चूज करना है डीबियन uh, अगर रहेगा तो देखना वो वाला ऑप्शन चूज कर लेना uh, no, चूज कर लेना है, right? I'll click on next. पे आपका वर्चुअल मशीन का नाम आएगा तो जैसे मेरा पैरट ओ एस के नाम से है पैरट सिक्योरिटी के नाम से तो मैं सपोज करू पैरट सिक्योरिटी डेमो ऐसे करके मैंने एक नाम दिया अब ये कहाँ पे स्टोर रहेगा तो दिस इज द मेन थिंग हियर यार अब आपको यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे स्टोर कहाँ हो इस तरह से मैंने फोल्डर बना दिया क्लिक ऑन हो ये ब्राउज करके पाथ देना पड़ेगा ये बता रहा हूं होता क्या है ये पाथ देने से नेक्स्ट ये आ गए आपके प्रोसेसर मैंने बोला एक प्रोसेसर और कोर प्रोसेसर लॉजिकल प्रोसेसर मैंने बोल दी दो ये मैं बताता हूं कि किसको किस तरह से अलोकेट करोगे वो यहाँ पे मेंशन है तो वो मैं बताऊंगा ठीक है यहां आपका रहता है इसका मेमोरी तो एटलीस्ट मैं दूंगा इसको चार दो रहता है बाय डिफॉल्ट मैं चार दूंगा इसलिए आपको रैम ज्यादा चाहिए चार तो यही ले गया आपका वर्चुअल मशीन ना इसलिए ज्यादा चाहिए नेक्स्ट एंड डिफॉल्ट नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट हाँ यहां आपका स्टोरेज तो पैरेट ओएस को आप लगभग फोर्टी तक दे दो 40 is enough. बाकी किस मशीन को कितना चाहिए वो मैं बताऊंगा। इसको इसको तक ठीक है। है ये 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 आपका आपका ये पे आपको एक बार बता रहा है and on finish. अब अब हो हो जाएगा. ये appear हो गया. अब इसको start मत कर देना. क्योंकि करोगे तो आपने याद करो ऑप्शन क्या बोला था आई विल इंस्टॉल सिस्टम लेटर आपने कहा ISO डाउनलोड करके रख लोगे ना अब क्या करोगे यहां क्लिक करोगे एडिट दिस वर्चुअल मशीन एंड आफ्टर क्लिक ऑन ओवर हियर एडिट दिस वर्चुअल मशीन आप क्या करोगे सीडी डीवीडी एंड यूज द आईएसओ अब जो आपका आईएसओ जहां पे डाउनलोड रहे वहां पे आप बता दो जैसे मेरा आई गेस यहां पे कहीं पे मिलेगा ये रहा क्लियर एंड क्लिक ऑन ओके एंड ये जब तक आप नहीं देते क्योंकि यहां पे आना चाहिए इसको पाथ मिलना चाहिए इसको पता होना चाहिए आएस हो कहा अब आप करोगे वर्चुअल मशीन को स्टार्ट अब वेट करो अब ये इंस्टॉल एंटर ठीक है सो so लेटर ये आ गया पियर हो गया अब ये इंस्टॉल नहीं हुआ है अभी यहाँ पे आप क्लिक करोगे ये ऑप्शन है इंस्टॉल पैरटोएस सो वेन यू क्लिक ऑन इट यहाँ पे ये बाय द वे आपका वहां पे वर्जन सिक्स बता रहा है ये वर्जन फाइव है ठीक है ये जो आई एस फॉर वर्जन फाइव ठीक है यहाँ पे ओके अमेरिकन इंग्लिश क्लिक ऑन नेक्स्ट यहाँ पे टाइम जोन अपना आप सेट कर दोगे uh, ठीक है क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड आपका जो भी ये रहेगा कीबोर्ड वो आप यहाँ पे आप बोल दोगे erase disk, ठीक है एंड मैनुअल पार्टीशन इफ यू वॉन्ट टू डू मैनुअल पार्टीशन जो जरूरत नहीं है तो आप इरेज डिस्क के ऑप्शन को चूज करके एंड यू कैन if you want encrypt the system choose this option otherwise आपका सिस्टम है तो कोई जरूरत है such है नहीं आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो क्लिक कर दो ऑन नेक्स्ट यहाँ पे आप अपने नाम दोगे यूजर नेम तो सपोज करो आपने दिया कुछ नाम दिया तो यही आप यूज करोगे क्या लॉगिन के लिए बोलो जो भी जो भी आपको यूज करना है लॉगिन के लिए वो यहाँ बोलोगे और जो आपके नाम कंप्यूटर पे ये रहेगा अप्लाई होगा ठीक है तीनों सेम रख सकते हो अलग रखना है अलग रखो फिर चूज करो जो भी आपका पासवर्ड है Done. Next. Install. Install. बस हो गया या वो रियल पे करेगा वो बता देता हूं क्या है तो जब आप अपना स्पेस वहां पे आपने दिया ना स्टोरेज uh, में आपने पाथ बताया ना कि ये पाथ है तो देखो क्या हो रहा है ये मैंने दिया था ये देखो पैराटोस आ गया यहाँ पे अब यहाँ पे अंदर क्लिक करो ये फाइल्स बन गई ये इसकी फाइल्स हैं ये वर्चुअल फाइल्स हैं इसकी इसके बिना ये वर्क नहीं करेगा तो आपको इसीलिए सेपरेट स्पेस देना पड़ेगा जैसे मैं अगर अपने मशीन पर बताऊं यू विल बी सरप्राइज मेरा जो पूरा डी ड्राइव है अगर आप देखोगे पूरा वर्चुअल मशीन पर इसमें और कुछ है ही नहीं मेरा जो डी ड्राइव कंप्लीट डी ड्राइव है ये सिर्फ वर्चुअल मशीन पे इसका और कुछ नहीं है तो एक आपको डेडिकेट स्पेस प्रोवाइड करना पड़ता है ठीक है अब यहाँ पे एरर आ गया कि जो है स्पेस नहीं हो पाएगा इस पर बट यू गेट द आइडिया कि क्या है ठीक है सो so, इस तरह से इंस्टॉलेशन होता है जब ये इंस्टॉलेशन डन हो जाता है तब फिर आप जब इसको एक्सेस करते हो तो आपका यूजर नेम और आपको यूजर नेम रहता है एंड पासवर्ड एंटर करके आपको एक्सेस मिल जाता है बता देता हूं कैसे जैसे में सपोज करो इंस्टॉलेशन हो गया ये रहा एराटो एस ठीक है देखो भाई ये मैंने यहाँ पे यूजर बनाया है क्रिएट करा है एबीसी एक यूजर है एक है एडमिन यूजर मैं एडमिन यूजर से एक्सेस लूंगा तो ये कपियर हो जाएगा दो मिनट ये हो गया इस तरह से आगे हाँ इस पे मत जाना अपियरेंस पे ये मैंने चेंज करा है ये मेरा कस्टम कर रखा है मैंने है ना आपका जैसे वहां पे ओपन हुआ था ना फर्स्ट टाइम उस तरह से कुछ ओपन होगा तो उसको माइंड मत करना कि ये आइकॉन्स क्यों इतने यू नो डिफरेंट आ रहे हैं बैकग्राउंड क्यों सेम नहीं है थीम क्यों ऐसी है वो कस्टम है इसलिए इस तरह से आपका रहता ये हो गया पैराटूस का अब आई होप विंडोज का आपको पता है लेकिन कोई बात नहीं अगर आपको डाउटफुल है तो मैं वो भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ सबसे पहले क्या करता हूँ ऑलरेडी क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है आ, तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ यहाँ से क्या था पैरट हाँ पैरट ओएस ही था ना ये पैरट ओएस ये यही नाम से था ना पैरट सिक्योरिटी डेमो हाँ ये तो मैंने वर्चुअल मशीन का नाम दिया था फोल्डर का नाम शायद हाँ ही है डैमो इसको मुझे डिलीट करना है पूरे फोल्डर को जिससे स्पेस आ जाए यहाँ पे यस परमानेंटली डिलीट एंड इसको करा मैंने मिनिमाइज मिनिमाइज अच्छा ठीक है सिस्टम पे नहीं है एक्सटर्नल है वो हार्ट सॉरी सो ये चीज है अब ये मशीन भी यहाँ से हट जाएगा एक्चुअली ठीक है तो यहां से आप ये क्या कर सकते हो रिमूव uh, कर सकते हो से, वन। तो ये न्यू वर्चुअल मशीन पे आओगे क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड यहाँ पे डीबीएन नहीं रहेगा चेंज हो जाएगा विंडोज एंड टेन एंड लेटर क्लिक ऑन नेक्स्ट यहाँ पे नाम दे दो मैंने दिया win, दो when when tan demo पाथ बता दें बता दूंगा आपके डेमोंस्ट्रेशन के लिए यहां पर मैंने एक फोल्डर बना दिया when tan demo और ओके करा एंड आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड यहां पे ठीक है नंबर ऑफ प्रोसेसर अपने आप ही दो आ गए हैं तो एटलीस्ट इसको दो लगेंगे अह uh, इसको भी हम चार लगभग दे देंगे चार जीबी हम दे देंगे और रैम के बाद में स्टोरेज इसको ज्यादा देना पड़ेगा उसका रीजन है मैं बताऊंगा बाद में सिक्सटी हो रहा है आप लगभग एट्टी कर देना सिक्सटी डिफॉल्ट हो रहा है आप लगभग एट्टी कर देना ठीक है रीजन मैं बताऊंगा क्यों सिक्सटी भी ठीक है बाद में भी ऑप्शन होता है एक्सपेंड करने का तो अगर स्पेस नहीं हो पा रहा है बन नहीं पा रहा है सिक्सटी भी रखो कोई प्रॉब्लम ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं बाद में भी एक्सपेंड हो जाता है बट शुरू में मैं बता रहा हूं कि कर सकते हो

हो गया सिमिलर है थोड़ा और आगे तक देख लो कोई प्रॉब्लम अब इससे देखो दो तीन चीजें होती हैं एक तो आपका मशीन का पूरा स्पीड आपको मिल रहा है जो कि मेजर आपका आ, ये है यू नो एडवांटेज है क्यों क्योंकि अगर आप आ, ये यूज करते हो तो सबसे पहले तो आपकी डिपेंडेंसी आ जाती है किसपे हम्म आपकी डिपेंडेंसी आ जाती है ऑन दिस इंटरनेट और इंटरनेट है तो डिले भी कहीं ना कहीं आपको आता है क्या है लैंग्वेज टू इंस्टॉल यूएस इनपुट टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट कहा गया इंडिया कीबोर्ड इनपुट अरे यूएस इंग्लिश यूएस English, काम करो टाइम एंड करेंसी आप चेंज ही कर दो बाद में इंस्टॉल करने के बाद में चेंज करा लेना ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है इंस्टॉलेशन के बाद में भी आप चेंज करा सकते हो कोई इश्यू नहीं है तो अगर अभी नहीं आ रहा है सो लेट इट बी हम्म ठीक है ठीक है सो सिंपल इंस्टॉल नाउ दैट्स इट सेटअप स्टार्ट हो जाएगा अब अगेन अगर स्पेस नहीं होगा तो ये रुक जाएगा एनीवेज मैं आपको थोड़ा गो थ्रू करा देता हूँ एक्टिवेशन करने के लिए अगर आपके प्रोडक्ट की नहीं है तो आप आई डोंट हैव द प्रोडक्ट की आप यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे आपको प्रो करा लो होम करा लो या प्रो करा लो ठीक है दोनों में से कोई भी 64 बिट जो रहेगा या अगर एंटरप्राइज मिले जैसे इस पर एंटरप्राइज नहीं है तो मैं प्रो करा रहा हूँ अगर एंटरप्राइज मिले तो एंटरप्राइज करा सकते हो एजुकेशन वाला आपको वर्जन अवॉइड करना है एक्सेप्ट द लाइसेंस एंड नेक्स्ट एंड कंस्टम इंस्टॉलेशन या अपग्रेड ये अलोकेटेड स्पेस है मैं एक ही ड्राइव यहाँ पे जो है रखूंगा और इस पर मैंने बोला अप्लाई ओके एंड दैट्स इट थोड़ा सा रिजर्व रहेगा आपका ये आपका इंस्टॉलेशन विंडोज उसी में आपका इंस्टॉल हो जाएगा दैट्स इट वो स्पेस का इशू है इसलिए प्रॉब्लम इट ये आपका इंस्टॉलेशन ऑफ द विंडोज मशीन रहता है अब मैं मेन आपको कहानी बता देता हूँ कि भाई ये रिसोर्सेज जो मैं दे रहा हूँ ये रिसोर्सेज मैं किस बेसिस पे दे रहा हूँ मुझे कैसे पता चल रहा है कि क्या रिसोर्सेज कहां पे यूज हो रहा है तो देख लो ये यहाँ पे है विंडोज टेन चार जी आपका रैम दो प्रोसेसर वो ऑटोमेटिक आ गया था मेरा वन है आप एटलीस्ट एट्टी कर देना ठीक है उसका रीजन आगे समझ आएगा बाकी तो ठीक है नॉर्मल पेराटोएस चार जीबी एक प्रोसेसर है बस सिक्सटी है आप फोर्टी कर देना ठीक है ये आपको लगेगा नहीं युबंतु फोर दो प्रोसेसर और बीस बस ठीक है विंडोज सर्वर अब सर्वर में आपका जो ट्वेंटी नाइन्टीन है दो दो और सिक्सटी टू टू एंड सिक्सटी और यही आपका ट्वेंटी ट्वेंटी टू पर भी सेम ही रहेगा फोर हो जाएगा वहां पे आई गेस्ट मेमोरी मैं चेक कर लेता हूं मेरा सिक्सटीन का कितना है मेरे को याद नहीं है uh, 16. Uh, हाँ दो ही है दो दो एंड वन फिफ्टी तो आप लगभग सिक्सटी कर देना ठीक है ये कॉन्फ़िगरेशंस आपके रहेंगे रिसोर्सेस हमेशा सेम मतलब ऐसा नहीं है सारे मशीन ऑन हो जाएंगे सारे मशीन से एक बार में ऑन नहीं होते एक अटैकर एक विक्टिम और एक बीच में कभी कभार एक अदर मशीन होता है बट ये दो दो मशीन मेन रहेंगे अब वो कई बार मे जल्दी वैसे अटैकर का जो मशीन है वो पैराटोस रहेगा शुरुआत में विंडोज रहेगा बाद में पैराटूएस भी रहेगा और एक विक्टिम का मशीन कोई भी रह सकता है तो विक्टिम के लिए मैंने इसलिए एक और विंडोज टेन मशीन रखा है आपको रखने की जरूरत नहीं है आप एक ही मशीन विंडोज इलेवन एक ही इंस्टॉल कराओ ये ओवरऑल आपका सेटअप है इस तरह से आपका सेटअप रहेगा अब आप ये यूज करो चाहे साइबर क्यू मैं बता देता हूं इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो जो भी आपके रिपोर्टिंग मैनेजर हैं उनसे आप एक बार डिस्कस कर सकते हो साइबर क्यू साइबर क्यू ई काउंसिल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये है एक डेमो अगर आपको लेना है आपको डेमो मिल जाएगा वो प्रैक्टिकल नॉलेज सेम है कुछ अलग नहीं है बाय द वे ये इनका वेबिनार था ये इस पे आप एक बार लुक करोगे आपको सेम ही समझ आएगा कुछ उसमें अलग नहीं आने वाला चाहे तो आप YouTube पे चले जाओ YouTube पे आपको मिल जाएगा एसी काउंसिल साइबर क्यू ये रहा ये ऑफिशियल चैनल पे इनका ये रहा। सो ये रहा देखो ये इन्होंने क्या है इन्होंने साइबर क्यू एक्सेस कर रखा है क्या चल रहा है मॉड्यूल थ्री ठीक है नेक्स्ट करो ये आ गए मशीन सारे ये पैराटू सेम है ना जो अभी मैंने बताया इसको एक्सेस करेंगे ये ये विंडोज मशीन सेम है ना डॉक्यूमेंट है क्या एक्टिविटी होगी वो डॉक्यूमेंट हम पे भी सेम ही है वो कुछ उसमें अलग नहीं रहता ठीक है तो ये रहता है यार अब इट इज अप टू यू यहाँ पे डिले भी रहेगा क्योंकि आप इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हो क्लाउड एक्सेस है ठीक है तो वो आपका डिले भी इंट्रोड्यूस होगा ये सारे चैलेंजेस आपको फेस करने को मिलेंगे तो उसको अगर अवॉइड करना है तो फिर आप ये यूज कर सकते हो इंस्टॉलेशन समझ आया ये चीज समझ आई अब आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ लो आज यही इंट्रोडक्शन था कल से हम मतलब जो अपना कंटेंट है वो हम स्टार्ट करेंगे इस वीक तक मुझे पता चल जाएगा या मेरे पे रिपोर्ट आ जाएगा कि जो भी एनरोलमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपका कंटेंट शेयर किया जाएगा थोड़ा सा समझ में आएगा वैसे ये उसी के रिलेटेड बात है जो मैंने कल आपसे डिस्कस करा था बट नाउ विल गो इन डेप्थ थे यहाँ पे so, देखो यार कंप्यूटर्स uh, या कह लो जो भी सिस्टम्स हैं मशीन्स हैं अराउंड द वर्ल्ड आर सिस्टमेटिकली बींगिक आज के टाइम पे जो भी आपका मशीन्स हैं उस पर इंफॉर्मेशन है उस पर डेटा है मशीन्स ओवरऑल हैं वो कुछ भी आपके सेफ कंसीडर नहीं किए जाते क्यों क्योंकि हैकिंग जो है ये काफी आपके आ, पहले मतलब में काफी आपकी पॉपुलर हुई बिगिन बिगिन तो और पहले मतलब काफी आपका शुरू में आपके एटीज मतलब जब ये कंप्यूटिंग वर्ल्ड बहुत ज्यादा आपका आ, एक कह लो इंडिया में स्टिल नॉट बट अगर हम बात करें यूएस की तो वहां पे आपका काफी यू नो चीजें डेवलप हो रही थी नेटवर्क आपके काफी बढ़ रहे थे सो ये ये अराउंड दैट टाइम पीरियड मैं कहूंगा आपका काफी पॉपुलर हुआ सो so, जो भी मशीन्स हैं अप्लायसेज हैं जो कि एक नेटवर्क में जुड़े हुए हैं वो आपके रेम्पेंट हैकिंग से विक्ट किए जाते हैं या हो जाते हैं दिस हैकिंग इज नॉट ओनली वाइड स्प्रेड बट इट इज एग्जीक्यूटेड इसको एग्जीक्यूट इतना फ्लॉलेसली किया जाता है कि अटैकर आपके मशीन को कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं जो उनको वैल्यूएबल मिलता है वो सब स्टील भी कर लेते हैं और अपने ट्रैक्स या मार्क्स भी रेस कर देते हैं जिससे वो कल को कॉट नहीं किए जाए हैकिंग की अगर हम बात करें तो अगर आप इथिकल हैकर के रोल पे हो या फिर आप कोई भी एनालिस्ट मॉनिटरिंग मतलब वट एवर कम्स अंडर द इथिकल हैकर अगर आप उस चीज के रिलेटेड टच में हो तो आपका गोल क्या रहता है आपका गोल रहता है रादर ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करना टू टेक द प्रियमटिव मेजर्स अगेंस्ट द मेलेियस अटैक्स मतलब ये जो uh, hackers या attackers जो जो या या आपके machines को को करते हैं उनसे उन आपको 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 के लिए measures आपको लेना है या को आपको help करना है करना कि वो pre -emptive, pre -emptive measures जो हैं ले. किस तरह से कि आप जो उनके मशीन्स हैं उनको पहले ही आप अटैक करोगे कॉम्प्रोमाइज करोगे मतलब जो काम हैकर है, पहले ही कर लो और वो देख के आप अगर ऑर्गेनाइजेशंस को अलर्ट कर पाओ अवेयर कर पाओ हेल्प कर पाओ तो वो इथिकल हैकर का आपका रोल या गोल कह लो वो आपका रहेगा बट ऑफ कोर्स ऑल द दिस मतलब ये सब लेकिन अंडर द लीगल लिमिटेशंस जो भी आपके लीगलइज्ड ऑर्गेनाइजेशन या वो जो अथॉरिटी है उससे आपकी जो भी जो जो भी आपकी लीगल लिमिटेशंस सेट होंगी उसके विद आपको रहना पड़ेगा सो so, ये फिलॉसफी जो है ये जो हम फिलॉसफी की बात कर रहे हैं यहाँ पे आप इथिकल हैकर हो आप ही अटैक परफॉर्म करोगे और यू नो अटैक कंडक्ट करोगे तो ये आपकी जो फिलॉसफी है ये आपकी एक प्रूवन प्रैक्टिस पे एक्चुअली है कि अगर आपको एक सपोज करो थीफ को कैच करना है तो आपको उसकी तरह सोचना पहले शुरू करना पड़ेगा तो हमारे कंटेंट में जितने भी मेजर्स मेजर्स कह रहा हूँ सॉरी जितने भी प्रैक्टिस आएंगे जो भी हम uh, से गो थ्रू होंगे जो भी फेजेस से गो थ्रू होंगे दिस इज इन रिगार्ड विथ वॉट द हैकर और द मेलिशियस हैकर ऑल्सो फॉलोज तो वही काम वहां पर भी किया जा रहा है वही काम हम भी करेंगे बींग द एथिकल हैकर बस गोल अलग रहेगा गोल हमारा कुछ डिस्ट्रक्टिव पर्पज के लिए नहीं रहेगा राधर प्रिवेटिव पर्पजेस के लिए रहेगा जहां पे हम ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करेंगे टू यू नो मेंटेन और ऑप्टिमाइज देयर सिक्योरिटी लेवल्स ईसी काउंसिल विच इज द इंटरनेट काउंसिल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंसल्टेंट फाउंडेड इट लेट 2001 थाउजेंड वन टू एड्रेस द नीड ऑफ वेल एजुकेटेड एंड सर्टिफाइड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड ई बिजनेस प्रैक्टिशनर्स ये इस पर्पज के लिए आपका यू नो ऑर्गेनाइजेशन या कह लो आपका फाइंड किया गया था इसी e. काउंसिल ने पहले आपका सीई प्रोग्राम e. ही डेवलप किया है ठीक है जो सी एच प्रोग्राम ये ही डेवलप हुआ है सबसे पहले आपका फिर जो कल मैंने आपको सर्टिफिकेशंस के सर्ट के जो उनके ट्रैक दिखाए जो उनके ट्रेनिंग एंड सर्ट के ट्रैक दिखाए फिर धीरे धीरे उन्होंने अपग्रेड करा आज के टाइम पे उनका एक बहुत बड़ा चार्ट है जो कल मैंने आपको बताया भी था

EC Council अब प्रोवाइड करता है दो तीन चीजें जो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में समझने जैसी हैं एक तो यही कि आपका हैकिंग जो है ओवरऑल एज द नेटवर्क ग्रोज एज द यू नो टेक्नोलॉजी इवॉल्व उतना ही ज्यादा आपका ये पार्ट भी आपका इवॉल्व होता है मतलब इट इज लाइक कि वो आपका साइड बाय साइड दोनों चीजें चलती हैं आप जितना टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करोगे उतना ही आपके मेथड्स बढ़ जाते हैं उतना ही आपके टेक्नोलॉजी पे ऑप्शन बढ़ जाते हैं टू परफॉर्म हैकिंग या विक्टिमाइज़ करने के लिए ऐसा कह सकते हैं हमारा जो भी गोल रहेगा या हम जो भी मेथड्स टेक्निक्स वट एवर वी विल लुक फॉर वो सेम ही है उसका भी गोल वही है उसका गोल है कि भाई वही स्टेप्स फॉलो करना है जो अटैकर फॉलो करेगा बट फॉर द प्रिव परपजेज जिससे हम को कर और जो कि हम यहाँ पे कवर करेंगे राइट सो दिस इज नॉट बाइ दैप्टर वन दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ओनली नाउ स्टार्ट विथ योर चैप्टर नंबर वन और द इंट्रोडक्शन टू इथिकल दिस इज यहाँ से आपका जो ऑफिशियल कंटेंट है वो यहाँ से स्टार्ट ये आपका मॉड्यूल पूरा थियोरिटिकल रहेगा तो इसमें आपको कुछ भी लैब वाइज कुछ नहीं करना है सेटअप जो था वो मैंने कल आपको बता दिया था यहाँ पे लैब स्टार्ट नहीं होगा लैब आपका स्टार्ट होता है मॉड्यूल टू से विच इज द फुट प्रिंटिंग एंड रिकोनेस वहां से आपका लैब पार्ट स्टार्ट होता है इसमें आपको इंट्रोडक्शन मेथर्ड थोड़े बहुत और जो मोर लाइक like मैं कहूंगा टेक्निकल टर्म्स आपको बताए जाते हैं टेक्निकल टर्म्स मतलब जो हम जैसे सपोज करो और ये कॉमन है टेक्निकल टर्म्स ओवरऑल जो शॉक आपका टीम या शॉक जो आपका डिपार्टमेंट होता है उसमें ये पूरे टेक्निकल टर्म्स आपके सारे कॉमन है सो इट इज नॉट रिलेटेड टू के सिर्फ साइबर सिक्योरिटी में जब आप कोई टर्म यूज कर रहे हो सिक्योरिटी का तब वो ऐसे बोला जा रहा है अगर आप यू नो शॉक में कोई अदर डिपार्टमेंट है तो वो टर्म चेंज हो जाएगा ऐसा नहीं है सो ये जो पूरा मॉड्यूल है ये एक्चुअली फोकस मोर फोकसडेड टूवर्ड द टर्मिनोलॉजीज जो हम टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे यूज करते हैं और यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बाद वो टर्मिनोलॉजीज आपकी पूरी लास्ट तक लास्ट तक आपके मॉड्यूल ट्वेंटी तक वो सेम ही कैरी होंगी सो दिस इज रिलेटेड टू दैट अटेंशन थोड़ी सी रखना क्यों क्योंकि टर्मिनोलॉजी uh, ईजी है कुछ मुश्किल नहीं है लेकिन जब आपको समझानी होती है तो आपको मे बी एलेबोरेट करना पड़ जाए बेस्ड ऑन दू नो द इंटरव्यूर और द इंटरव्यू बेसिस वो आपको वो चीज रहती है सो थोड़ा सा अटेंशन यहाँ पे रखना सो so, सबसे पहले आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी डिस्कस अबाउट द

या फिर एक नेटवर्क या इंफ्रास्ट्रक्चर उसका स्टेट ऑफ वेलबींग मतलब इट इज समथिंग लाइक सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल आई हैव आई हैव दिस पेन ओके नाउ दिस पेन इज स्टेबल ये उसका स्टेट ऑफ वेल है राइट इफ आई मेंड दिस इफ आई ट्विस्ट दिस दैट इज नॉट द स्टेट ऑफ वेल ऑफ दिस पेन सो सिमिलरली द इंफॉर्मेशन और द डेटा जो भी आपका है इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है इसलिए यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया इन्फॉर्मेशन आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हो सकती है कंपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है इट कुड बी एनीथिंग राइट सो द स्टेट ऑफ वेल वेलबींग ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे वो इन्फॉर्मेशन डिसाइड कर रही है और वो इन्फॉर्मेशन इट्स उसका स्टेट ऑफ वेल वेलबींग जहां पे पॉसिबिलिटी उसके बाहर जाने की मतलब थेफ्ट या डिसरप्शन डिरप्शन मतलब उसको खराब कर देना डिसरप्ट करना उसके जो वो इंफॉर्मेशन जिस रेगुलर ऑपरेशंस पे बेस्ड है मे बी वो ऑपरेशंस डिसरप्ट कर दो सो द पॉसिबिलिटी ऑफ थेफ्ट एंड डिसरप्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द सर्विसेज इज लो एंड टॉलरेबल ये जो इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन के रिलेटेड जो सर्विसेज हैं बिकॉज इंफॉर्मेशन किसी भी नेटवर्क में एक प्लेस पर नहीं रहती उसको एक्सचेंज किया जाता है उसको आप मे बी यू नो शेयर करते हो सो रिलेटेड टू दैट जो भी सर्विसेज इन्वॉल्व है सर्विसेज आर इन्वॉल्व वो आपके जो पॉसिबिलिटी है ऑफ द बैड डिसरप्शन, डिसमेंटलिंग, एनीथिंग वो आपका लो या टॉलरेबल रहे अब यहाँ पे दिस इज थिंग जो आपको थोड़ा सा अटेंशन मैं थोड़ा सा आपका लेके आता हूं इस तरफ लो एंड टॉलरेबल उन्होंने उन्होंने ये वर्ड यूज नहीं करा कि डिमिनिश हो जाएगा या इरेडिकेट हो जाएगा देव यूज द वर्ड लो एंड टॉलरेबल लो और टॉलरेबल व्हाई इज दैट बिकॉज इन द एंड अगर मैं बात करूं तो देर इज नो सच थिंग एज यू कैन गिव अ गारंटी ऑफ ठीक है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से के आप अपने बेस्ट ट्राई कर सकते हो मेथड्स टू प्रोटेक्ट टू यू नो सिक्योरिटी एंड एवरी थिंग बट यू कॉन्ट गि गारंटी एज सच के ये मैंने जो मेजर्स अप्लाई करे हैं सिक्योरिटी के इसके बाद ना कुछ होने ही नहीं वाला उन, उस वे यहां पे किया जा रहा है कि जो आपका स्टिल या पॉसिबिलिटी ऑफ थे रहेगा low, काफी मिनिमल रहे या और टॉलरेबल रहे क्योंकि पूरी तरह से आपका कुछ भी चीज एज सच गारंटीड वे में आप नहीं बोल सकते कि ये प्रोटेक्टिव है या ये प्रोटेक्ट की जा रही है सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये जो बात रही ये रही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को डिफाइन कैसे किया जाता है नाउ विल टॉक अबाउट द एलिमेंट्स पांच हैं कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी ऑथेंटिसिटी नॉन रेपेशन ये पांच एलिमेंट्स आपके रहते हैं ठीक है रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कहीं पे भी बात करोगे ये आपके पांच एलिमेंट कंसीडर किए जाते हैं क्विकली एक बार इसको चेक करते हैं कन्फिडेंशियलिटी मतलब फॉर एग्जाम्पल कन्फिडेंशियलिटी में जैसे आपका इंक्रिप्शन uh, आता है ठीक है जैसे अगर कोई इंफॉर्मेशन है मैं ये इंफॉर्मेशन एज इट इज देख सकता हूं लेकिन अगर कोई Other person, तो वो इस इन्फॉर्मेशन को कुछ इस तरह से नहीं देखे मे बी उसको कुछ अलग तरह से ये दिखाई दे सो so, कॉन्फिडेंशियलिटी आपके नेटवर्क में आपके सिस्टम पे आपके इन्फॉर्मेशन के ऊपर होना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका डेटा या आपका इन्फॉर्मेशन क्लियरली या प्लेन टेक्स्ट विजिबिलिटी में नहीं होना चाहिए दिस इज दश्योरेंस और दिस रिलेट्स टू दश्योरेंस के जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेसिबल रहेगा इंटीग्रिटी मीन्स द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द डेटा ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द डेटा मीन्स दिस डेटा आई के इसको अल्टर नहीं किया गया है इसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं सो दैट डील्स विद इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी के लिए आपका इमर चेंजेस किसी डेटा में अगर परफॉर्म हो रहे हैं सो दैट मीन्स दैट डेटा आपको इंफॉर्मेशन तो मिला आपके पास में इंफॉर्मेशन है बट मे बी दैट इंफॉर्मेशन हैज सम सम चेंजेस सो उसको प्रिवेंट करने के लिए या उसको आपका यू you नो know, uh, मतलब उसको थोड़ा सा कम करने के लिए कम मतलब चांसेस तो अगेन आपके लो टॉलरेबल रहते हैं सो इन दैट वे अगर हम बात करें तो उसको एट अ मैक्सिमम और एट अ ऑप्टिमम लेवल आप कितना उस पर वर्क कर सकते हो सो इंटीग्रिटी आपके प्रैक्टिस चेक में आते हैं जैसे हैशिंग ऑपरेशन कुछ रहते हैं वो आपके चेक में आते हैं जहां पे आपका ये जज किया जाता है कि ये जो डेटा है देर वुड बी एन अलगोरिदम अलगोरिदम से पास किया जाएगा उसका एक एंड प्रोडक्ट आएगा वो एंड प्रोडक्ट के बेसिस पे जज किया जाएगा कि दिस डेटा इज ठीक है आपके, आपके, आपके अप्लाइंस रिस्पॉन्सिबल है डिलीवर स्टोर और प्रोसेस करने के लिए इन्फॉर्मेशन मतलब एक मशीन है उस पर यह इंफॉर्मेशन है ये खुद प्रोसेस करेगा मे बी ये डिलीवर करे और ये स्टोर कर रहा है या दूसरा सिस्टम जो इसको स्टोर कर रहा है कुछ स्टोरेज सर्वर है हमारे पास में ठीक है तो ये आपका अश्योरेंस होना कि जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिलीवरिंग स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग दिस इंफॉर्मेशन वो एक्सेसिबल रहे सिस्टम सिर्फ ऑथोराइज यूजर्स के वाया ही तो अवेलेबिलिटी आपकी होना मतलब उन सिस्टम्स की अवेलेबिलिटी होना जो कि ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स हैं ये अगेन एक मेजर थिंग चेक में आपको रखनी चाहिए या रखी भी जाती है ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आपका हर किसी को आपका ऑथोराइजेशन फॉर एवरीथिंग एवरीथिंग मतलब कि हर किसी को, हर को authorization नहीं मिलना चाहिए राइट देन ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिसिटी मीन्स और इट इज इट रिफर्स टू अरेक्टरिस्टिक कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट या कोई डेटा है वो जेन्यून है या नहीं है देट मीन्स वो रोग नहीं होना चाहिए ये कैरेक्टरिस्टिक या एलिमेंट एक और आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मेजर एंड इन दी एंड यू हैव नॉन रेपन नॉन रेप्यूडिएशन डिफाइन किया गया है एज कि अगर हमने हमने मतलब एज एन अगर कोई सेंडर है उसने मैसेज को सेंड करा सेंडर ऑफ अ मैसेज वो डिनाई नहीं कर सके कि उसने मैसेज सेंड नहीं किया था और जो मैसेज रिसीव कर रहा है वो ये डिनाई नहीं कर सके कि उसने मैसेज रिसीव नहीं किया था इस पर्टिकुलर प्रोसेस को या इस चीज को हम नॉन रेपन में लेके आते हैं ये आपके एलिमेंट्स होते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के और इन एलिमेंट्स पे ये एलिमेंट्स अगर आपके चेक में है आप ऐसा कह सकते हो तो आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी ऑटोमेटिकली चेक में आ जाती है इन सब चीजों को करने के लिए वे यूज सेवरल मेथड सेवरल आपके कह सकते हो प्रोसेस सेवरल कुछ भी कह सकते हो ये एक ऊपर से ऊपर ऊपर से हमने एक बात करी बाकी कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होता है जैसे मैंने बताया इंक्रिप्शन होता है इंक्रिप्शन में क्या आता है इंटीग्रिटी में मैंने बोला हैशिंग होता है तो हैशिंग में क्या आता है वो सारी चीजें हम बाद में कवर करते हैं अपने कंटेंट में थ्रू आउट ओके सो दिस इज वेयर इट स्टार्ट फ्रॉम यहां पे आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और ये एलिमेंट्स आपको सारे चेक में लेने पड़ते हैं नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग अटैक्स अटैक्स करने के लिए ही क्योंकि हम ओवरऑल जो पूरे थ्रू आउट हम डील करेंगे वो पूरा डील हमारा होगा अटैक्स पे ठीक है और उनको कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ठीक है प्रिवेंट कैसे कर सकते हो बट मोर लाइक हमारा जो पार्ट है वो थोड़ा सा ऑफेंसिव साइड में ज्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट होता है अब क्योंकि इथिकल हैकिंग है तो इथिकल हैकिंग में आपको काउंटर मेजर्स भी बताए जाते हैं बट दैट 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 हैविंग मीन के हमारा जो फिक्स करने का पार्ट रहेगा वो पर्टिकुलर हमारा रहेगा ठीक है जो सॉल्यूशन सॉल्यूशंस में भी एक टीम में इन्वॉल्वमेंट हमारा रहेगा बट अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टर हो या आप अगर सिक्योरिटी uh, एनालिस्ट हो तो आप एनालाइज कर रहे हो पेनिट्रेशन टेस्टर हो टेस्ट कर रहे हो आपका काम बस वहीं तक मेजरली आपका वहां तक रहता है ठीक है देन देर इज देर आर डिफरेंट टीम्स जो आपके ऑपरेट करते हैं रिगार्डिंग द डिफेंसिव Uh, आपके सॉल्यूशंस जो कि फायरवॉल ऑपरेट करेंगे आपके सिक्योरिटी अप्लायंसेस ऑपरेट करेंगे सिक्योरिटी सॉल्यूशंस पर वर्क करेंगे ओके सो अटैक करने के लिए मोटिव मींस गोल मेथड एंड वल्नरेबिलिटी ये कुछ चीजें कुछ टर्म्स हैं ये हमें समझना है सबसे पहले बात करते हैं मोटिव या गोल की अब मोटिव या गोल जो है अटैकर का वो कहां से आपका uh, पॉप हो रहा है सो ये एक आपका आइडिया या कह लो ये आपके एक नोशन से आपका कहीं से आया है कि जो अटैकर टारगेट देख रहा है ये कोई मशीन है ये मशीन किसी अटैकर को एज अ टारगेट समझ आ रहा है तो ये जो मशीन या ये जो सिस्टम या जो भी ये यू नो टारगेट समझ रहा है अटैकर ये सिस्टम पे कुछ स्टोर है या फिर मीन वाइल कुछ प्रोसेस कर रहा है मे बी इस पर कुछ स्टोर है या फिर मीन वाइल इसको मिल रहा है ये कुछ प्रोसेस कर रहा है ठीक है कुछ ऐसा जो कि क्या है वैल्यूएबल है मतलब दैट हैज सम वैल्यू, ठीक है और यही जो चीज है ये आपका मोटिव या गोल बन जाती है जो कि आपका लीड करती है थ्रेट ऑफ एन अटैक ऑन द सिस्टम ठीक है बाय द वे यहां पे एक और टर्म आया है थ्रेट आगे इसके बारे में

ये जो इस तरह से आपको पॉइंट्स दिखेंगे ना इनको आप कंसीडर ऐसा मत करना कि दीज आर ऑल द पॉइंट्स बहुत सारे चीजें होती हैं बहुत सारे तरीके होते हैं बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो मेजर्स हैं या जो पॉपुलर हैं मैंने वो यहां पे सारे मेंशन कर दिए हैं जैसे कि मोटिव्स में अगर हम बात करें तो मोटिव मैंने यहाँ पे जो मैंशन करे हैं वो भी दे दो नॉट जस्ट ऑल द मोटिव्स के सिर्फ यही मोटिव्स रहेंगे बट मेजरली जो रहते हैं वो ये है जैसे कि बिजनेस कंटिन्यूटी को डिसरप्ट करना क्यों अटैक किया जाता है किसी की बिजनेस कंटिन्यूटी बिजनेस ऑपरेशंस को डिसरप्ट करने के लिए इसके अलावा पॉपुलर और पॉलिटिकल बिलीव्स को प्रोपेगेट करने के लिए इफ यू यू नो हार्म सम पर्सनल बिलीव्स और सम पर्सनल यू नो पॉलिटिकल बिलीव्स और अदर रिलीजियस बिलीव्स ठीक है तो यह भी एक आपका अटैक्स के uh, लिए एक आपका मोटिव होता है ठीक है जैसे आप करेंटली अगर आप बात करो सो इज दे दिस थिंग यू नो जैसे अभी अगर हम देखें तो इन द पास्ट इन द लास्ट ईयर और दिस ईयर इवन देर आर सम वॉर्स गोइंग ऑन बिटवीन कंट्रीज तो वहां पे क्या हो रहा है इफ यू गो और इफ यू यू नो अंडरस्टैंड दैट पार्ट तो आप रिसर्च करोगे इवन इन द न्यूज पेपर फाइंड इन द न्यूज के यू uh, नो you know, uh, कुछ जो uh, इस तरह के आपके साइबर ऑपरेशन होते हैं वो आपके बाय द है मलिशियस हैकर किए जा रहे हैं जो आपके आपका या करना जो ऐसे कुछ हैं उनको disrupt करके. Because क्या होता है कुछ अगर, आ, कुछ अगर मान लो ऐसा है किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो कि मे बी अभी यू you नो know, बहुत ज्यादा बड़े यू you नो know, लेवल पे नहीं है और आप वहां पे अगर इस तरह से अटैक्स परफॉर्म करे जाए अटैक परफॉर्म करके कुछ इस तरह का फियर यू नो क्रिएट किया जाए सो मे बी वो अपने नए सोल्यूशन के लिए दो बार सोचें अपने यू नो सिक्योरिटी के लिए वो प्लान करें तो ये एक आपका फियर या फिय क्रिएट करने के लिए भी किया जाता है डैमेजिंग द ऑफ द टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका टारगेट है उसकी रेप्युटेशन को डैमेज करना ठीक है उनकी रेपुटेशन खराब करना मार्केट में खराब करना न्यूज uh, स्प्रेड होती है चीजें यू नो आपकी स्प्रेड होती है out, तो इसलिए ज ठीक है आउट ऑफ समर्सनल तो बिग रीजन कॉजिंग फाइनेंशियल लॉस टू दाइनेंशियल लॉस कॉज करना क्यों रैनसम वगैरह डिमांड किया जाता है विच इज अनादर पॉइंट मूल लाइक इसी में आप मान लो सो रैनसम इज समथिंग आपका जैसे सपोज करो ये मशीन है इस पर कुछ इंफॉर्मेशन है कुछ आपका डेटा है तो आपके मशीन को कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाएगा बाय मेलिशियस अटैकर और हैकर और ये मशीन का अब आपको आ, ओके इजी वे में बोले तो ये मशीन ऐसा कह लो लॉक हो गया और इस मशीन का एक्सेस लॉक होने का मतलब है आपको एक्सेस मिल ही नहीं सकता कब तक जब तक ये जो एक रैनसम डिमांड कर रहा है वो आप इसको दे नहीं दो प्रोवाइड नहीं कर दो तो इनसे फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं सो इट इज अगेन मोटिवेशन या मोटिव ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अटैक्स राइट ओके अब अटैक्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं देखो मेजर दो टाइप के क्लासिफिकेशंस हम देखते हैं नंबर वन इज पैसिव नंबर वन इज एक्टिव कोई भी अटैक है चाहे आगे हम मतलब अटैक्स की डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक वी विल गो थ्रू देम जहां पे डिटेल्स में डिटेल uh, में एक्सप्लेन होगा कि ये अटैक है तो ये अटैक करने का प्रोसेस क्या है बट ऑल इन ऑल जो भी अटैक्स हैं मेजरली आपके सारे अटैक्स दो कैटेगरीज में क्लासिफाई होते हैं वन इज पैसिव वन इज एक्टिव पैसिव और एक्टिव में डिफरेंस सिर्फ इतना है जहां पे भी आप एक्टिव वर्ड सुनोगे एक्टिव वर्ड से आप ये आइडिया uh, लगा लेना कि जहां पे भी अगर आपका ये दिस दिस वर्ड एक्टिव मेंशन है तो उसका मतलब ये है कि आपका कुछ डायरेक्ट इंटरेक्शन के थ्रू कुछ प्रोसेस होगा और टेम्परिंग भी होगी डेटा को टेम्पर भी किया जाएगा दो चीजें ठीक है एक्टिव पैसिव में ऐसा नहीं होता तो एक याद रख लो दूसरा अपोजिट है अरे एक याद रख लो तो दूसरे को क्या करना है वो जो मेन जो उसके पॉइंट्स है वो उसको अपोज करना है ना अगर टेम्पर बोल रहा हूं तो टेम्पर नहीं होगा राइट कोई भी एक याद रख लो मेजर दो है बाकी तो और फिर बहुत बड़ी मतलब कैटेगरीज और भी है बट सो एक्टिव अटैक्स टेम्पर विद द डेटा अब ये कैसे हो सकता है ट्रांजिट में हो सकता है ट्रांजिट मतलब डेटा आपका भेजा जा रहा है ठीक है ये जा रहा है ये अभी एक प्रोसेस में है ये दो मशीन हैं, ये एक्सचेंज कर रहे हैं ये डेटा तो इसको बीच में ही ट्रांजिट में ही हम क्या कर सकते हैं इसको टेम्पर कर सकते हैं या फिर एक मशीन पे है वहां पे हमने टेम्पर करा इसीलिए ये जो ये जो मैंने पार्ट बताया ना इसलिए इंटीग्रिटी चेक होना जरूरी है कि जब आप डेटा कोई रिसीव कर रहे हो तो आपको डेटा तो मिला लेकिन अब आप ये कैसे पता करोगे कि दिस डेटा इज वेदर दिस इज दैट सेम डेटा और नॉट तो इसलिए इंटीग्रिटी चेक होना जरूरी है एनी सो एक्टिव अटैक्स टेम्पर विद द डेटा ये टेम्पर करते हैं डेटा के साथ में इन ट्रांजिट या फिर डिसरप्ट करते हैं कम्युनिकेशन या सर्विसेज इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है और ये कम्युनिकेशन करने के लिए जो सर्विसेज यूज है एक सर्विस यहाँ यूज है एक सर्विस यहाँ यूज हो रही है ठीक है बात करेंगे क्या है तो ये सर्विसेज या ये जो कम्युनिकेशन है इसको डिसरप्ट करना मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सारी चीजें आपकी रिलेटेड टू डिसरप्शन या कुछ यू नो एक्टिवली एक्टिव मींस एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ओनली ठीक है आपने टेम्पर करा डेटा को ट्रांजिट या यू you नो know, आपने एनी वे करा डेटा को

अब मैंने बोला एक्टिव समझ गए तो पैसे अपने आप हाँ समझ आ गया पैसे उल्टा है मतलब एक तो टेंपरिंग नहीं होगी डेटा की और अगर मैं डेटा को टैंपर नहीं कर रहा हूँ तो मैं कर क्या रहा हूं? मैं इंटरसेप्ट और मॉनिटरिंग कर रहा हूँ नेटवर्क ट्रैफिक और डेटा फ्लो मतलब ये जो डेटा है आई विल कीप एन आई ऑन दिस आई विल कीप एन आई ऑन दिस के यहाँ पे चल क्या रहा है वॉट इज दिस डेटा मैं इस डेटा पे एक अपना मॉनिटरिंग करूंगा इंटरसेप्ट करूंगा ट्रैफिक जो है दो मशीन के बीच में जो पास हो रहा है उस पर मैं मॉनिटरिंग करूंगा अब इसके लिए स्निफिंग ये आपके टास्क डन किए जाते हैं मतलब दिस इज रिलेटेड टू कि आप कुछ कैप्चर करो कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके जैसे सपोज करो आपका और मेरा मशीन कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है उसके बीच में एक कैप्चर लगा दो वो कैप्चर क्या करेगा आपको बता देगा कि क्या वहां पे एक्सचेंज हो रहा है दिस इज ओवरऑल मेजरली ये दो मेन है But not only these we have some other types of attack also for example close in attack yahan se से start, close in close in attack aapke आपके जो ye ये kiye किए गए हैं अब overall passive or और hi hai क्लोज इन को ऐसे बोल दिया है कि ये आपकी क्लोज फिजिकल प्रोक्सिमिटी में पॉसिबल है मतलब जब अटैकर आपके एक जो आपके फिजिकल प्रोक्सिमिटी में एंटर अगर कर गया है उस टारगेट सिस्टम या उस नेटवर्क में और वो फिर गैदर कर सकता है सिर्फ गैदर भी कर सकता है हो सकता है मॉडिफाई भी कर जाए हो सकता है डिस्टरप्ट भी कर दे एक्सेस तो ये सारी चीजें आपके क्लोज इन अटैक्स में आती हैं सोशल इंजीनियरिंग ड्रॉपिंग, शोल्डर सर्फिंग डर डाइविंग फिर आता है इंसाइडर अटैक इंसाइडर अटैक मतलब ये नेटवर्क uh, में मे बी आप जैसे हम सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना मतलब तो पीछे अभी जो बात करी के सिस्टम्स को आपने कॉम्प्रोमाइज करा इंसाइडर अटैक इज मोर लाइक आप किसी पर्सन को कॉम्प्रोमाइज कर दो इन साइड पर्सन ठीक है insider मतलब मतलब person, अंदर का कोई मेम्बर वो इंसाइडर अटैक है तो इसको कैसे भी मतलब आप अब ये देखना पड़ता है इसमें हम बात करेंगे वैसे जनरली ये सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट होता है सोशल इंजीनियरिंग इज अनदर टाइप या टेक्निक भी कह सकते हो उसको जहां पे यू नो इनसाइडर अटैक्स आपके डिफाइन होते हैं तो कॉम्प्रोमाइज किया जाता है मे बी फॉर नंबर ऑफ रीजंस नंबर ऑफ तरीके होते हैं जहां ज, 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 जिनके थ्रू सॉरी आपका कॉम्प्रोमाइज किया जाता है आपके किसी यू नो पर्सन को वो पर्सन कहीं ना कहीं उसका प्रिविलेज इस तरह से होता है कि वो उस टारगेट सिस्टम या टारगेट नेटवर्क में कुछ बड़े लेवल पे एक्शन uh, या एक्स uh, परफॉर्म कर सकता है yes. हाँ एडमिन लेवल जैसे हो गया तो एडमिनिस्ट्रेटर हो गया किसी सिस्टम का या नॉट इवन इफ द एडमिन एडमिन मे बी ग्रुप में आर यू नो सम पर्सन सो लाइक दैट तो वो इनसाइडर अटैक में आपका कैटेगराइज होता है इनसाइडर अटैक इन्वॉल्व यूजिंग प्रिवलेज एक्सेस अब आप तो आउटसाइडर हो ना आप अटैकर हो तो आपको तो प्रिविलेज एक्सेस ऑफकोर्स नहीं होगा है ना तो प्रिवलेज एक्सेस का यूज करते हैं रूल करने के लिए और कॉज करते हैं threat to the organization's information or the information system. अब ये इन्होंने बात यहाँ पे छोड़ दी कई बार क्या किया जाता है? किया जाता जाता है है को जाके आपके insider होते हैं अब इसमें कई बार अगर इंटेंशनली होता है तो इंटेंशनली आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन या ग्रेजेस के चलते भी हो जाता है Theft of physical devices, loggers, backdoors, malware. ये दीज आर जो कि हम Usually नहीं चाहते कि कहीं पे भी हमारे नेटवर्क पे हो किसी भी मशीन पे छोड़ो कहीं पे भी नेटवर्क में भी नहीं होना चाहिए ये प्रोपोगेट नहीं होना चाहिए ठीक है तो प्लांटिंग मतलब इनको आप नेटवर्क में प्लांट कर दो ठीक है एज एन इट इज समथिंग लाइक जैसे सपोज करो वी है दू सपोज वी हैव अ वेरी क्लीन रूम ठीक है नाउ यू और ठीक है वो आपने स्प्रेड कर दिया थोड़े देर बाद क्या होगा देर वोड भी या फैन होगा या ए होगा कुछ होगा एंड वो क्या हो जाएगा स्प्रेड हो जाएगा सो so ये होता है मतलब इस तरह से बात कर रहे हैं कि प्लेंट करना आपने किसी भी एक इस तरह से कुछ इस तरह का आपका बैकडोर रूट की टॉप यू नो ये आपने कुछ प्लांट करे और ये इनके कुछ नेचर uh, ऐसा होता है कि ये आपके कुछ अच्छे एक्शन नहीं करवाते हैं आपके नेटवर्क में ठीक है जिसमें मेलवेयर malware है मेलवेयर में तो फिर अगेन टाइप्स हैं वो फिर प्रोपगेट भी हो सकते हैं सो दैट इज द थिंग हाँ बट फिजिकल वगैरह इन सबसे खैर बचने के लिए ये अब तो आपको लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली या हिस्टोरिकली एज इन कहीं ना कहीं पास्ट में आपकी परफॉर्म करी गई है तभी ये सब चीजें आपकी इनफोर्स की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप आज के टाइम पे क्यों ऑफिस में मोस्ट ऑफ द रूम्स में या मोस्ट ऑफ द आपके कैबिन में आप क्यों देखते हो कि देर आर सीसी वी कैमराज और देर आर कैमराज सिक्योरिटी कैमराज आप क्यों हमेशा ऑब्जर्वेंस में रहते हो सो दीज आर द नंबर ऑफ रीजन फॉर दैट क्योंकि ये सब चीजें हुई हैं कुछ आपके यू नो फिजिकल डिवाइसेस भी

सो अटैकर विद द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एट सोर्स सोर्स या ट्रांजिट उसके पे ही जब वो सॉफ्टवेयर बन रहा है तभी आपने किसी अटैकर ने क्या कर दिया उसको खराब कर दिया और या फिर वो जब भेजा जा रहा है तो भेजा जा रहा है तब उसके साथ में क्या कर दिया जैसे ये गया हमारा क्लीन डेटा इसके साथ में क्या अटैक अटैच कर दिया हमने कुछ आ, स, कुछ खराब चीज अटैच कर दी तो ट्रांजिट में भी हो सकता है और आपका सोर्स पे भी हो सकता है और कुछ रहे इसमें नहीं

मोर मैं कहूंगा आपके साइबर सिक्योरिटी क्यों हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या क्यों हर um, किसी के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन तो छोड़ो हर बॉडी के लिए आई वुड से हर बॉडी एज इन द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इवन द गवर्नमेंटल बॉडीज एज वेल वहां पे क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है ड्यू टू दिस थिंग आजकल सारा कुछ डिजिटल है मोस्टली

या वॉर फेयर रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन ये क्यों किया जाता है देखो आजकल जो एक एग्जाम्पल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोल ही रहा था वॉर है ठीक है वॉर चल भी रही है अभी लास्ट ईयर से रिसेंट टाइम्स you know, so, uh, आपके वर्ल्ड में डिफरेंट यू नोनेट टाइम्स में देर आर यू नो इवन इन दास्ट काफी uh, तो पे अलग हां मतलब अगर हम बात करें दिस इज इन द 1930स 1940स वो अलग टाइम था आज के टाइम पे क्योंकि सारा कुछ मोस्टली डिजिटल है तो इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए इंफॉर्मेशन वॉर इंफॉर्मेशन वॉर मतलब जहां पे कॉम्पिटिटिव इंटेली कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस गेन करना ओवर योर ओपोनेंट जैसे सपोज करो मैं बोलूं दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन 1 ऑर्गेनाइजेशन 2 दोनों सीक्रेट एजेंसीज हैं कोई अपने-अपने रेस्पेक्टिव कंट्रीज की ठीक है अब आपको क्या पत, आपको पता क्या करना है ये मतलब बेसिकली ओपोनेंट्स हैं इनमें कोई बनती नहीं है ठीक है एंड कुछ मतलब टेंशनस भी रहती हैं हमेशा इनके आपस में बीच में टेंशनस रहती हैं तो ये दो सीक्रेट एजेंसीज हैं दो ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको क्या करना है इनको ये चाहिए कि हम इनके पास में एक इन्फो है ये ये चाहेंगे ये इन्फॉर्मेशन कैसे भी हमको क्या हो जाए मिल जाए कलेक्ट हो जाए जिससे हम इनके मे uh, बी you know, हैं या जो इनके यू नो वेपन डिप्लॉयमेंट या जो भी जो भी स्ट्रेटेजी हैं वो हम क्या करें गेन कर रहे सो द टर्म वॉरफेयर और इन्फो वॉरफेयर रिफर्स टू द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन आईसीटी इन इस टेक्नोलॉजीज़ या इन टेक्नोलॉजीज का यूज करके कंपेटेटिव एडवांटेजेस गेन करना ओवर द ऑपोनेंट इसमें यही आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया जाएगा जैसे ऑफेंसिव इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और डिफेंसिव इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर डिफेंसिव इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में सारी स्ट्रेटेजीज रिफर करेंगे और एक्शन रिफर करेंगे जो कि डिफेंड करेंगे अगेंस्ट ऑन दईसी इनपे हमको क्या करना है डिफेंस करना है तो जो भी एक्शन या जो भी स्ट्रेटेजीज आपके रहेंगे प्रिवेंशन डेटरेंस अलर्ट डिटेक्शन इमरजेंसी प्रिपेरनेस रिस्पॉन्स स्ट्रेटीज ये सब आपके डिफेंसिव वॉरफेयर में आते हैं ऑफेंसिव मतलब अटैक्स ऑन द आईसीटी आईसीटी अटैक्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज पर जो इनके एसेट्स हैं उन पर अटैक करना तो इसके लिए अब ये वाला पार्ट हमारा आ जाता है ये भी है बट ये मेजर वेब एप्लीकेशन अटैक वेब सर्वर अटैक मेलवेयर अटैक मैन इन द मिडल अटैक सिस्टम हैकिंग एटसेट्रा ये सारी चीजें आपके ऑफेंसिव में आती है राइट तो यही आज के टाइम पे आपका जो है और ये दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इजेशन you know, ये आपका हर जगह चलता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बेसिक लेवल पे भी अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन कह लो या दो मेजर आपकी कह लो कंपनी जैसे की सपोज करो मैं बोलू माइक्रोसॉफ्ट वर्सेज गूगल और गूगल वर्सेज एप्पल ओके और वर्सेज टेस्ला और मेटा वट एवर यू नेम दीच में भी होता है ठीक है ये उनके बीच में भी है बस डिफेंसिव मतलब जैसे सपोज करो ये मैं बत, एक एनोलॉजी से अगर आपको बताऊं सो सपोज यू ट्राई टू पंच मी सो आपका एक्शन हुआ ऑफेंसिव और अगर मैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूं मैं आई यू नो डू दिस और मैं ब्लॉक कर दू उसको या मैं यू नो ड्रॉप कर दू तो वो 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 हुआ आपका डिफेंसिव तो ऑफेंसिव डिफेंसिव ये चलता है सिक्योरिटी में दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है इसकी फिर डिफरेंट हालांकि टीम्स होती हैं बट दिस इज द थिंग तो ऑफेंसिव हमें क्यों होना जरूरी है हमें एज इन अब मैं वापस आ जाता हूं साइबर सिक्योरिटी एज आपको इथिकल हैकर या पेनेट्रेशन टेस्टर आपको क्यों ऑफेंसिव uh, होना जरूरी है जिससे आप अगर पहले ही टेस्ट कर लो ऑफेंसिव मतलब एक्शन लेके यू नो आप अगर पहले ही टेस्ट कर लो तो उस डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो पाए राइट right? तो डिफेंसिव वॉर डिफेंसिव इंफॉर्मेशन वॉरफेयर मतलब जो हमारे ये एसेट्स हैं जहां पे ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जो हम यहाँ पे सिस्टम्स इक्विपमेंट्स अप्लाइंस जो यूज करते हैं इनको हमको प्रोटेक्ट करना है और इन पर प्रोटेक्ट क्या करना है बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन को आपको प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए ये मेथड्स होते हैं प्रिवेंशन डेटरेंस अलर्ट डिटेक्शन इमरजेंसी प्रिपेयर एंड जो ऑफेंसिव मतलब जो अटैक्स करेगा उसके नंबर ऑफ मैथड ये, ये चीज है राइट right? hmm. अब ये इंपॉर्टेंट है दिस इज कॉल्ड साइबर किलचेन मैथडोलॉजी ठीक है साइबर चेन मैथोडोलॉजी क्या है या क्या बोला गया है साइबर चेन मैथोडोलॉजी एक मेथड है एक मेथोडोलॉजी है पूरी जहाँ पे आपको ये समझना है कि uh, अगर कोई अटैक होगा तो उसका स्टार्टिंग पीस क्या स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और उसका एंड पॉइंट या एंड गोल क्या रहेगा अब गोल तो खैर हम बात कर ही चुके हैं क्योंकि मोटिव हमने बात कर लिया लेकिन उसके बीच में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो क्या है तो उसको डिफाइन किया जाता है एज द साइबर किल चेन मैथडोलॉजी अब आप कहोगे कि किल चेन क्या है यहाँ पे ठीक है मतलब व्हाट दिस किल चेन डिफाइन तो देखो वी बींग इथिकल हैकर या पेनेट्रेशन टेस्टर्स हम इसी मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं ये अटैकर्स की मेथोडोलॉजी है जो अटैकर फॉलो कर किल चेन मतलब ये जो चेन है ना जो जो ये इनके स्टेप्स होते हैं इसको किल करने के लिए तो इसमें होता क्या है सो द साइबर चेन मेथोडोलॉजी एक कॉम्पोनेंट है इंटेलिजेंट ड्रिवन डिफेंस का इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ इंटेलिजेंट ड्रिवन डिफेंस इंटेलिजेंट ड्रिवन डिफेंस एज इन जो आप इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंट आपको इंफॉर्मेशन सोर्सेज से जो आपको मिल रही है उसके बेसिस पे आप अपना जो डिफेंस प्रिपेयर कर रहे हो उसका एक कॉम्पोनेंट है एक पीस है एक कॉम्पोनेट है फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मेलिशियस इंक्लूजन एक्टिविटीज जिससे हम प्रिवेंट कर पाए या आइडेंटिफाई कर पाए देख पाए पकड़ पाए या फिर प्रिवेंट भी कर पाए आपके मेलिशियस एक्टिविटीज होते हैं या किए जा सकते हैं इसमें आपको इंसाइट मिल जाता है अटैक के फेजेस का मैंने मैंने जैसे कल मैंने आपको बताया भी था अटैक फेजेस में होते हैं तो उसका आपको एक डीप इंसाइट मिल जाता है कि अटैक अभी किस स्टेज में है इट्स मोर लाइक दैट जैसे सपोज करो हम अगर बात करें कि जैसे हम एग्जाम्पल रुको याद करने दो क्या दे सकता हूं यहाँ पे जैसे um, सपोज करो आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता होगा ना कि करंट आप किस स्टेज में हो आप बिल्कुल ही स्टार्टिंग पॉइंट पे हो या कहीं आप बीच में यू नो ठीक ठाक आपने गेन कर लिया है या आपको और टाइम चाहिए सो यू आर ऑलमोस्ट देयर एंड जब आप एग्जाम आपको आप डिसाइड कर लिया कि जैसे अब एग्जाम है आपने फिक्स कर लिया बुक कर दिया आपने प्लान कर लिया तो मतलब आप प्रिपेयर हो गए है ना तो ये जो चीज है इसी तरह से ये जो फेजेज है यहाँ पे भी आपको ये पता चलता है कि आपके जो फेजेज हैं अटैक के फेजेज हैं उसको आपको इनसाइट मिल जाता है और इसको हम जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं वो यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द एडवर्सरी टेक्टिक टेक्निक एंड प्रोसीजर इसके बारे में आगे भी बात करेंगे टेक्टिक टेक्निक, टेक्निक प्रोसीजर्स को भी टेक्निकली डिफाइन किया गया है कि क्या होता है टेक्निकली कह रहा कहना टर्मिनोलॉजिकली डिफाइन किया गया है कि क्या होता है

Uh, हम क्या करेंगे लेटर ऑन इंटरेक्ट करेंगे तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पर चल क्या रहा है तो आपको गैदर करना है इंफॉर्मेशन सो so, उसको हम फेज में काउंट करते हैं देन फेज नंबर इज वेपनाइजेशन वेपनाइजेशन क्या है वेपनाइजेशन एक फेज है जहां पे एक डिलीवरेबल मेलिश पेलोड क्रिएट किया जाएगा मतलब एक प्रोग्राम एक कोड एक एग्जीक्यूशन क्रिएट किया जाएगा जो कि मेलिशियस होगा मतलब उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होने वाला है अगर वो आपके मशीन पे परफॉर्म हुआ एग्जीक्यूट हुआ रन हुआ तो उसको बोलते हैं वेपनाइजेशन वो फेज फेज जो है उसको बोलेंगे वेपनाइजेशन बाकी वो जो प्रोग्राम है उसके तो सेवरल नेम देर कुड बी दैट ये अटैकर है ये विक्टिम है और मान लो ये आप हो आपका काम है इनके बीच में ये रोकना अब आप इसको तो नहीं पकड़ सकते एज सच कि आपको क्या पता ये कौन है कहां से आ जाए कब आ जाए आपको ये पता है आपको यहां पर करना है जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करना है तो ये बाहर है इससे आपको कोई लेना देना कहीं पर भी नहीं होगा आपको इस मशीन से लेना देना है और जो अटैकर ये फेजेस ये अटैकर यूज करेगा एक्चुअली ये ये यूज कर पाए उसके पहले आप यूज कर लो हाँ ये ये नहीं, नहीं। अटैकर भी कर रहा है अटैकर इसके रिलेटेड डेटा गैदर करेगा ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हो सकता है कोई पर्टिकुलर टारगेट का डेटा हो सकता है कुछ भी हो सकता है उससे पहले अब देखो ऐसा है समझना इस चीज को ऐसा समझो अगर मैं कह रहा हूं अटैकर डेटा गैदर कर रहा है तो इसका मतलब उसको डेटा दो पॉसिबिलिटी है डेटा मिल सकता है या नहीं मिल सकता दो पॉसिबिलिटी है ठीक है अब ऐसा है आज के टाइम पे अगर आप बात करोगे ठीक है मानते हुए चलो अगर कोई मेजर ऑर्गेनाइजेशन का बात करूं या फिर उस वहां पे वर्किंग कोई एम्प्लॉज का बात करूं ऐसा मानते हुए तो चलो कि सारा कुछ आपके जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वहां पे अवेलेबल है ठीक है तो वो बात तो आप भूल जाओ कि आप की आइडेंटिटी सो uh, so अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड वेब पे मतलब इंटरनेट पे आपकी अवेलेबल नहीं है तो वो तो भूल जाओ वो तो होने से रहा वो नहीं हो सकता अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो सकती है क्लियर ही हो गया ना मतलब वो तो एक पॉसिबिलिटी है आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग होने के बाद में वो तो हो जाएगा उसके बाद में उसको कितना मिनिमाइज रखा जा सकता है या कितना उसको एक्सटेंड किया जा सकता है उस पर बात चल रही है तो जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है या ये जो जो हैं हैं जितने भी भी एक मैं पॉइंट मेंशन कर देता हूं। हम जो भी यहाँ पे बात कर रहे हैं जो भी हमने इवन स्टार्टिंग में भी बात करी वो दोनों टू वे चल रही है टू वे क्यों चल रही है वो अटैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चल रही है और वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी चल रही है बींग दल है ऐसा होता है कि सपोज करो ये थोड़ी सी एनोलॉजी से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसको सपोज कर लो आप ये जो पर्सन है ये मान लो आप थीफ ठीक है आपको पता है कि थीव देयर, ठीक है आपको ये मालूम है आप यू नो के थीव आर देयर आप हो मान लो यू आर सम सिक्योरिटी ऑफिसर यू आर पुलिस और समथिंग अब आपको क्या करना पड़ेगा मैं बोल रहा हूं कि यार आपको मैंने एक ये दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि इस जगह की इस एरिया की या इस पर्टिकुलर यू नो घर की या इस पर्टिकुलर प्लेस की सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होनी चाहिए क्लियर है क्लियर है ना अब आप क्या करोगे सिर्फ खड़े हो ऑब्जर्व करोगे आप क्या करोगे आप देखोगे आप चेक करोगे कि कहां से सिक्योरिटी ब्रीच हो सकते हैं तो एक्चुअली मैं जो थीफ कर रहा है वो काम आपने भी किया तो जो भी यहाँ पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं या यहां से लेकर आगे तक जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो दो वे चल रहा है दैट इज टू वे वो अटैकर बस अंतर कितना है बिफोर द अटैकर कुड डू इट आप उसको पहले ही कर दो जिससे आप क्या करो आप अलर्ट मोड पे आ जाओ या जो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में आप वर्क कर रहे हो जो कंपनी के साथ में आप वर्क कर रहे हो आप उनको अलर्ट कर दो ये ये चीजें मिली अगर मैंने परफॉर्म करी और ये चीजें हुई हैं तो ये अटैकर भी वो सेम मतलब वो उतना अंडरस्टैंडिंग होता है कि ये सेम इंप्लीमेंटेशन वो भी करते हैं तो जो भी चीजें हैं मेथड्स टेक्निक्स प्रोसीजर्स जो यहां पे यूज हो रहे हैं वो दोनों तरफ से यूज होते हैं बस बिफोर हैंड आप अगर कर दोगे तो आप क्या कर गए आपने हेल्प कर दी ऑर्गेनाइजेशन की अगर अटैकर की तरफ से हो गया तो वो आपका कहीं ना कहीं यू नो डिस्ट्रक्टिव हो गई चीज तो वो इन दैट वे है डिफेंस यहां पे डिफेंस वो वाला नहीं है आप समझो आपने सिर्फ क्या करा आपने बता दिया कि आपने अलर्ट कर दिया कि दिस इज वॉट आई हैं अब डिफेंस इंप्लीमेंटेशन में आप इन्वॉल्व हो जाओ

दोनों दोनों कहीं पे भी ऐसा जरूरी नहीं मतलब uh, उसका लोकल इन्वायरमेंट में होना जरूरी नहीं है वो रिमोटली भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म किया जा सकता है इसको अगर डिफाइन करूं तो ऐसा है सो रिकॉनिस रिलेटेड टू जहां पे हम डेटा गैदर करेंगे और प्रूव करेंगे इंटरेक्ट करेंगे कॉन्टेक्ट करेंगे विद द वीक पॉइंट वेपनाइजेशन में आप एक ऐसा वेपन वेपन मतलब क्या होता है वेपन मतलब ऐसा है कि देखो वीक मुझे पता चला ये जो वॉल है

देन कम्स द फेज ऑफ डिलीवरी डिलीवरी मतलब अब ये जो आपने वेपनाइज किया है बंडल है जो आपका ये आप डिलीवर कैसे करोगे तो ई मेल या सम अदर मैथड्स किसी को यू नो इंटरनली ही आपने टच कर लिया उसको बोल दिया या आपने नंबर ऑफ मेथड्स आते हैं डिलीवर करने के कुछ भी नंबर ऑफ मेथड्स ठीक है फिर आता है एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयटेशन मतलब एडवांटेज लेना एक्सप्लॉयटेशन मतलब एडवांटेज लेना किसका वीकनेस वल्नरेबिलिटी का तो वो जो आपने यू नो वेपनाइजेशन जो बंडल या वेपन जो आपने क्रिएट करा था तो एक्सप्लॉइट करोगे या वही एक्चुअली गोल वही है कि जो या, जो जो या वीक पॉइंट है उसको आप एक्सप्लॉइट करोगे कोई कोड एग्जीक्यूट करके और वो कोड क्या रहेगा बेसिकली वो आपका वही वेपनाइज जो आपका बंडल है उसी के एस पर आपका रहता है देन ये आपने जब एक्सप्लोइटेशन कर दिया फिर इसके बाद में टारगेट को यू नो you know, टारगेट मशीन को या टारगेट सिस्टम को आपका खराब करने के प्रोसीजर स्टार्ट किए जाते हैं जैसे कि आपने कोई मेलिशियस मेलवेयर इंस्टॉल कर दिया अब उससे क्या होता है वो आपका रन हुआ तो पहली बात तो मशीन को इन्फेक्ट करेगा कई बार ऐसे भी होते हैं टाइप्स होते हैं मेलवेयर के वो प्रोपोगेट भी होते हैं वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम, प्रोग्राम प्रोपोगेट होंगे नेटवर्क में प्रोपोगेट हो जाएंगे एक मशीन से दूसरे मशीन पर तो ये रहता है फिर कमांड एंड कंट्रोल कमांड एंड कंट्रोल मतलब अब अटैकर को क्या चाहिए अटैकर ने अगर ये काम कर लिया या हमने भी अगर ये काम कर लिया मान लो दोनों पे में तो हम ये चेक करेंगे कि हम कमांड एंड कंट्रोल कर सकते हैं क्या नहीं मतलब अगर ये हमारे फुली कंट्रोल में आ गया तो हम क्या कर सकते हैं बैक एंड फोर्थ इससे इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना कि अब ये एग्जीक्यूशन हो जाए अब ये हो जाए तो उसके लिए बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन के लिए कमांड एंड कंट्रोल ठीक है इसके लिए कम्युनिकेशन या सी एंड सी चैनल बोलते हैं हम ये यूज होता है सी एंड सी चैनल एज एन की एक स्पेशल आपका

परफॉर्म होता हुआ देख लो तो आप वहां पर फिर अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो कि उसको कैसे लिमिट करना है या उसको प्रोपोगेट होने से कैसे रोकना है या उसको वहीं पर कैसे यू नो किल करना है सो हैंस वी हैव द साइबर किल चेन मैथडोलॉजी फॉर दैट बट फेजेस यही आपके चलते हैं इन फेजेस में ही चलता है इट इज समथिंग लाइक और एक बताता हूं जिससे आपको मे बी ये याद रहेगा तो दिस इज रिलेटेड टू दिस कुड बी आप रिमेंबर इसको कर सकते हो याद रख सकते हो एज पर जैसे सपोज करो मैं आपको ये कह दू आ, मान लो कहीं पे कोई आ, मान लो चोरी होनी है ठीक है तो ऐसा नहीं होता कि प्लान आउट नहीं किया जाता समझ रहे हो बहुत चीजें होती हैं जैसे सपोज करो आ कहीं पे अगर चोरी होनी है तो कौन से टाइम पे लोग नहीं होते कब थोड़ा वो एरिया यू नो शांत होता है आ, अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है तो वो ब्रेक कब लेता है समझ रहे हो इसी तरह से ये भी सारे जो भी आपके अटैक्स होते हैं कोई भी अटैक आप देखोगे वो ऐसे नहीं हो जाता कि कल आपने न्यूज देख ली अरे अरे अटैक हो गया ऐसे नहीं होता उसके पीछे पता नहीं महीनों सालों से भी प्लानिंग चल रही होती ठीक है एग्जीक्यूशन सिर्फ लास्ट पॉइंट होता है वो जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तब कहानी आपके सामने आ जाएगी तब वो news बन जाती है बट हमेशा execution है या जो प्लानिंग है वो बहुत पहले से चल रही होती है ये चीज होती है तो इस आप एनोलॉजी से याद रखो कि ये रहता है आपका तो साइबर किलच एन मेथोडोलॉजी कुछ उसी तरह से है कि जब अटैकर अटैक attack कर रहा है तो वो प्लान आउट कर रहा है प्रॉपर यू नो एक अपना प्लान एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है कि दिस 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 एंड देन एंडल गो ये चीज है हाँ अब यहाँ पे मैंने बात करी थी टेक्टिक्स टेक्निक एंड प्रोसीजर ये जो है ठीक है तीन चीज है इसको डिफाइन किया गया है एज uh, so, सबसे पहले पैटर्न को रेफर करता है पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज एंड मैथ तो कोई भी एक कोई एक्टिविटी है जैसे सपोज करो आई टेल यू अ जो सो व्हाट दैट ब्रिंग्स दैट ब्रिंग्स लाफ्टर तो so, लाफ्टर है या जो लाफ है वो उसका क्या आया वो उसका आउटकम आया ठीक है सो so, वो पैटर्न और जो मेरा मेथड था सो so पैटर्न ये जो एक्टिविटी अपन करते हैं सो दिस रिफर्स एक हो सकता है उसकी पूरी एक ऑर्गेनाइज्ड यू नो टीम हो सकती है ऑर्गेनाइज्ड टीम क्यों होती है ऐसा होता है कि कई बार जैसे अगर आप एक फेज पे वर्क करोगे तो हो सकता है नेक्स्ट फेज पे जाने के लिए यू रिक्वायर सम टाइम ना तो वो टीम में इसलिए होता है जिससे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए कि अगर मैंने ये करा यू विल ब्रेक दिस जाएकू द एक्शन तुरंत राइट इन दैट वे सो टी टैक्टिक्स टेक्निक प्रोसीजर्स रिफर्स टू द दैर्न ऑफ एक्टिविटीज एंड मेथड एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक थ्रेट एक्टर्स और ग्रुप ऑफ थ्रेट एक्टर्स टैक्टिक को कैसे डिफाइन अच्छा तीनों को अलग डिफाइन किया जाता है टेक्निक को डिफाइन किया जाता है एज द गाइडलाइंस दैट डिस्क्राइब द वे एन अटैक द वे एन अटैकर परफॉर्म्स वे क्या रहेगा तरीका ठीक है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड टेक्निक को डिफाइन किया गया है टेक्निकल मेथड्स क्या यूज किए जाएंगे बाय द अटैकर मतलब उसके जो रिजल्ट उसको अचीव करने उसके लिए टेक्निकल मेथड्स क्या रहेंगे वो टेक्निक्स हैं और प्रोसीजर्स ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच जो यूज करेगा या जो अटैकर फॉलो करेगा अचीव करना है अगर उसको अपना गोल तो उसको जो अप्रोच है वो उसको ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच फॉलो करनी है उसको ऐसा नहीं मिल रहा है कि सारा कुछ उसको हमने यू नो ओपन अप करके दे दिया है कि आओ भाई आप अटैक कर लो ऐसा नहीं है तो ये डिफाइन किया गया है टी टी टीपी अगर आप कहीं पे देखते हो या सुनते हो तो दैट इज दिस ओनली टेक्निक एंड प्रोसीजर सो द वे अटैकर वेकर परफॉर्म अटैक एंड टेक्निक्स इनवॉल्व एंड देन द ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोचेस ये रहते हैं टी ठीक है अब इसमें क्या आता है जैसे प्रिवलेज एक्शन एक्सप्लोइटेशन प्रिवेज एस्केलेशन लेटर मूवमेंट यहाँ पे टेक्निक्स में क्या हो सकता है सेटअप करना मेंटेन करना कमांड एंड कंट्रोल चैनल को यू नो कवर करना ट्रैक्स को डेटा एक्सफिल्ट्रेशन ऑफ द डेटा एक्सफिल्ट्रेशन यहाँ पे क्या होता है

ठीक है ये आपके अटेंशन में आ सकता है इफ यू आर अटेंटिव इनफ अगर आप मॉनिटरिंग कर रहे हो आप एनालिस्ट हो तो आपके ये चीज अटेंशन ग्रैप करनी चाहिए क्या एडवर्सली बिहेवियर आइडेंटिफिकेशन क्या है कॉमन मेथड्स या टेक्निक्स जो कि एडवर्सरी फॉलो करते हैं ना वो आइडेंटिफाई करना तो पेनिट्रेशन के लिए या अटैक लॉन्च करने के लिए कुछ फिक्स्ड हैं कुछ चीजें है। वो आपकी मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिल जाएगी तो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स जो हैं उनको एक इंसाइट मिल जाता है कि अटैक किस तरह से होने वाला है ठीक है बिहेवियर्स से आइडेंटिफाई हो जाता है अब ये बिहेवियर क्या है जो हमारे मशीन पर कुछ मे बी इनिशियल एक्टिविटीज हो रही हैं, वो अनयूजल है ठीक है वो ऐसी एक्टिविटीज है जो मे बी रेगुलर बेसिस पे हमने नहीं देखी या नहीं होती उस वे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये आपके अपकमिंग थ्रेट्स के लिए एक अलार्म हो सकते हैं, एक सिग्नल हो सकते हैं तो इसको हम एडवर्सरी बिहेवियर आइडेंटिफिकेशन कह सकते हैं कि एडवर्सरी जो है उसका बिहेवियर मतलब बिहेवियर एज पर द अटैक उसको आइडेंटिफाई करना क्या है यहाँ पे पावर शेल का यूज होना इंटरनल रिकनेशन इंटरनल हमारे जो सिस्टम्स हैं या जो हमारी इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो कहीं गैदर हो रही है अनस्पेसिफाइड प्रॉक्सी एक्टिविटीज अगर हमारे नेटवर्क में चल रही हैं कमांड लाइन इंटरफेस बहुत यूज हो रहा है एच टी डी यूजर एजेंट कमांड एंड कंट्रोल सर्वर किसी मशीन पे आपने चेक करा उस मशीन को कमांड एंड कंट्रोल जो अपन ने बात करी अभी पीछे जो कि फेज है कमांड एंड कंट्रोल तो उस मशीन को सर्वर बनाया गया है या हमारे ही किसी मशीन को कमांड एंड कंट्रोल सर्वर बनाया गया है तो दैट मीन्स इट इज कॉम्प्रोमाइज्ड क्लियरली उसका मतलब ये है टनलिंग का यूज होना टनलिंग डीएनएस टनलिंग मतलब टनलिंग इज मोर लाइक अ सीक्रेट चैनल जो क्रिएट होता है ऐसा समझो अभी ठीक है यूज ऑफ वेब शेल डेटा स्टैगिंग मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड्स तो ये कुछ जो आपके आ, क्या कह लो आपकी चीजें होती हैं ये इस तरह से इसमें हम आगे आगे डिटेल में बात करते हैं कंटेंट में ये चीज आपकी एक अलर्ट या अलार्मिंग हो सकती है अगर हाँ. हो सकती है या अगर, या अगर ये चीज हुई है तो वो इनिशियल एक किसी स्टेज पे डेफिनेटली है ठीक है मतलब ऐसा है कि अगर सपोज करो आ, आप क्या देख रहे हो आप देख रहे हो आपके घर पे आपने देखा या आपने देखा कि आ, यार कुछ चीज है वो मिसप्लेस्ड है मिसप्लेस मतलब उसकी पोजीशन आपको पता है डेफिनेटली यहाँ है लेकिन वो आपको कहीं और ही मिली तो वो एक इंडिकेशन हो सकता है कि मे बी क्या हुआ होगा कि अगर कोई आया होगा उसने ट्राई किया होगा स्टील करने के लिए कुछ कुछ हुआ यू कुछ, नो you know, कोई आया रूम में आया कुछ हुआ वो भाग गया मतलब उस तरह से बात हो रही है राइट right? कुछ तो तो नहीं, 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 नहीं नहीं इसमें इसमें बहुत ज्यादा नहीं हो भी सकता है नहीं भी हाँ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन इन एक्टिविटीज का मतलब कहीं ना कहीं ये तो है डेफिनेटली कि आपके नेटवर्क पे या आपके मशीन पे कुछ ना कुछ हुआ है अब आप जो क्वेश्चन एज पर जो क्वेश्चन था कि कुछ जो देखो ऐसा है इफ दिस इज द रेंज तो मे बी यू आर हियर मे बी यू आर हियर बट नॉट हियर सर्टेन तो अगर आप यहां तक उसको रोक सकते हो तो यहां तक बात नहीं पहुंचेगी This is what they are trying to say. Ye kuch identification karne ke liye, kuch we have the processes Haan, just a minute. Uh, no, you're right. I was wondering the things that you're talking about like DNS tunneling and data staging hmm. and all that. stuff. I was wondering if we'll study them in depth and uh, you know how it's done and what it really means because I'm working on something that I need to understand all these things to. I ha, 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 I I got you know, to I got your हा हा आई आईट आई गोट यूर upcoming events or upcoming topics they are all related to those और अपकमिंग मतलब स्पेसिफिक हमारे टॉपिक्स रहेंगे जो कि डील करेंगे ठीक है जैसे इंटरनल इकोनिकल एक्टिविटीज एक्टिविटीज सो देर विल डिस्कस दीज इन डिटेल राइट ओके सो ऑल राइट सो लाइक वी हैव दिस थिंग एडवर्सिटी बिहेवियर आइडेंटिफिकेशन बिहेवियरल आइडेंटिफिकेशन और ये एडवर्सिटी का बिहेवियर आपको थोड़ा सा यहाँ पे पता चलेगा मतलब रिलेटेड क्या है मैं थोड़ा सा इसको एक चीज और बता देता हूँ देखो कोई अगर स्टेप हो रहा है तो दैट मे लीड टू अनदर स्टेप ठीक है ऐसा है कि जैसे सपोज करो आ, ये चीज है इंटरनल रिकोनि तो दिस लीड्स टू सम स्टेप मे बी दिसम समिफरेंट स्टेप तो तो इससे आपको यह समझ में आएगा कि जो जो होने होने वाला है 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 या जो attack हो सकता है, उसका so called pattern as per क्या है? तो वो आप attack होने से पहले और पर्टिकुलर अटैक वुड हैपन आप उसको आइडेंटिफाई पहले ही कर सकते हो राइट right? इसलिए दीज आर दीज आर सेपरेटेड यहाँ पे आपको एक जो चीजें यहाँ पे कुछ चीजें बताई जा रही हैं तो दैट इज नॉट ऑलवेज कि ये होगा ये होगा ये भी होगा एनी वन मे भी और उससे आप रिलेट करोगे और ये रिलेट आपको आगे थोड़ा रिलेशन समझ में आएगा कि उससे आप फिर रिलेट करोगे कि ये किस चीज की तरफ पॉइंट कर रहा है किस अटैक की तरफ पॉइंट कर रहा है मोर टूवर्ड्स किस अटैक की तरफ पॉइंट कर रहा है सो इट्स लाइक दैट जैसे आ, अब अब ऐसा भी होता है मल्टीपल या डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स के लिए मे बी यू फाइंड दिस और मे बी यू फाइंड दिस तो ये भी है बट ऐसा है ना कि अटैक्स की भी कैटेगरीज है ठीक है उसमें आपको एक आइडिया तो डेफिनेटली लग जाता है कि वेयर दिस इज फॉलिंग ये चीज है राइट देन यू हैव इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज काफी यूज में आते हैं uh, जो आपके इट इज मोर लाइक क्लूज कह लो क्लूज मतलब जो आपके हिंट्स होते हैं ना तो ये होते हैं आपके इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज मतलब जो आपका कॉम्प्रोमाइज हुआ है मशीन या हो, हो चुका है होने वाला है उसको इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स उसके नेटवर्क so या system पे, system पे आपके मिल सकती है जो कि इंडिकेट कर रही है पोटेंशियल इंट्रूजन या मेलिशियस एक्टिविटी इनगेनाइजेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर आईओसीजेंस ऑल दो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ओवरऑल आप इसको ये नहीं अज्यूम करोगे कि यार ये जो है मतलब दिस नॉट समथिंग जो हमको कंप्लीटली कैसे डिफाइन करूंगे अंडरस्टैंडिंग के प्रिवेंशन क्या है मतलब डेफिनेटली आप प्रिवेंशन करोगे आपको समझ में आएगा कि इफ दिस इज नॉट इफ दिस इज सम मतलब ऐसा है कि अगर सपोज करो आपको कुछ uh, आपके दिस uh, रूम you know, और यहाँ पे आपको सपोज करो कुछ चीज ड्रॉप मिले और वो अनोन चीज है तो आपको ये तो पता चल गया ना कि वो आपको बिलोंग नहीं कर रही आपके लिए नहीं है बट बस इतना ही तो पता चला उससे आपको ये थोड़ी पता चल जाएगा कि यहां पे ये जो चीज ड्रॉप हुई है इससे क्या इंडिकेशन हो रहा है क्या चीज यहां, यहां से यू नो मिसप्लेस होने वाली थी या स्टील होने वाली थी वो तो नहीं पता चला ना सो इन दैट वे आर आईओसीजेंस ऑल दो ये गुड सोर्स दीज आर द गुड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द थ्रेट इन दैट वे अगर मैं बात करूं दैट सर्व एज दॉइंट्स इन इंटेलिजेंस प्रोसेस तो जो हमारा इंटेलिजेंस प्रोसेस होता है ना उसका डेटा पॉइंट प्रोवाइड यू नो अपडेट ऑफ डेटा पॉइंट जैसे की सिक्योरिटी प्रोफेशनल नीड टू परफॉर्म कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं उनको एक कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग परफॉर्म करनी होती है ऑफ़ द उसके लिए ये जो इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस है इनपे हमको रेगुलर मॉनिटरिंग या कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को परफॉर्म करनी होती है इनको आपका कैटेगराइज किया गया है ये ईमेल में हो सकते हैं ईमेल में आपको दिख सकते हैं आपको नेटवर्क पे दिख सकते हैं आपको होस्ट बेस्ड इंडिकेटर्स मतलब सिर्फ कुछ पर्टिकुलर होस्ट पे ही दिखे पूरे नेटवर्क पे नहीं दिख रहे हैं मे बी वन मे बी टू मे बी सेवरल कुछ होस्ट पे ही आपको दिख रहे हैं या फिर बिहेवियरल इंडिकेशन बिहेवियरल इंडिकेशन में आपका क्या होता है जैसे बिहेवियरल इंडिकेशन इज मोर लाइक अब इसको आप कैटेगराइज कैसे भी कर सकते हैं ये आपके ऐसा समझ लो जो इंडिविजुअल पर्सन है ये उसके बेसिस पे भी हो सकता है ठीक है उसके बिहेवियर में चेंज होना जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इंसाइडर अटैक इंसाइडर अटैक में देर इज समन फ्रॉम द इन साइड हुईज अब अगर उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया है तो उसके भी तरीके होते हैं मे बी यू नो थ्रेट है मे बी समू नो रैनसम है देर इज इन्वॉल्वमेंट तो उससे बिहेवियर इंडिकेशन भी परफॉर्म किए जाते हैं उसके बिहेवियर में टेम्परामेंट में अगर आपको चेंजेस दिख रहे हैं कोई इंप्लॉयी है कोई पर्टिकुलर आपका यू नो वर्कमेट है या आपका इंप्लॉई है वहां पे अगर आपको इस तरह से कुछ दिख रहा है सो दैट इज आल्सो सम बिहेवियर इंडिकेशंस तो ये दोनों तरह से चलता है मतलब आपका टेक्निकली भी चलता है नॉन टेक्निकली भी चलता है बट ओवरऑल यस कैटेगराइज किया गया है ईमेल इंडिकेटर्स होते हैं स्पैम ईमेल्स जैसे आपको काफी सारे मिल रहे हैं सो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी नेटवर्क इंडिकेटर्स में आपको कुछ इवेंट्स दिख रहे हैं लॉग्स दिख रहे हैं विच आर नॉट यूजल वो हैं होस्ट बेस्ड इंडिकेटर्स पे कोई पर्टिकुलर होस्ट है और वो कुछ अननेसेसरी रिक्वेस्ट जनरेट करता है मतलब ऐसे नहीं रेगुलरली बट आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम इंटरवल वो कुछ मतलब अनयूजल रिक्वेस्ट जनरेट करता है मतलब जिससे उसका मे बी वर्क से कुछ लेना नहीं देना नहीं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ठीक है ये सारी चीजें आपकी इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज होती हैं और एक्चुअली यहीं से आपको पिकअप करना चाहिए मतलब जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं वो यहीं से पिकअप कर लेते हैं बट इसके लिए क्या जरूरी है मॉनिटरिंग जरूरी है तो मॉनिटरिंग के लिए भी आपको लेटेस्ट एक्टिविटीज से अपडेटेड होना जरूरी है।, है ना मतलब ऐसा है कि ईमेल कॉम्प्रोमाइज तो ईमेल इंडिकेटर्स जो हैं अब ईमेल में आपको तो बहुत सारी ईमेल्स मिल रहे हैं ऐसा क्या अभी करेंटली चल रहा है या ऐसा क्या करेंट अभी आप सिनेरियोज uh, ऐसे मेथड्स हैं जिस पे आपके ईमेल uh, इंडिकेटर्स आप पॉइंट कर सकते हो कि यस ये है यार ये ईमेल इंडिकेटर है अदरवाइज तो और भी बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं सो दट जस्ट एन एग्जाम्पल तो वो समझना पड़ता है उसके लिए आपको ठीक है सो we'll uh, we'll, we so, सबसे पहले यार देखो आपको ना हैकर टर्म समझने की जरूरत है बिकॉज बिलीव में जब मैं ये आपको बोल रहा हूं मोस्ट ऑफ द पीपल टर्म इवन इथिकल हैकिंग जो टर्म है वो भी हम बात करेंगे बट सबसे पहले तो इथिकल किया जाता है या वो ही आपका वेल well अंडरस्टूड नहीं है मेजरली एंड बिलीव मी वैन आई से दिस बिकॉज में आपके फ्रेशर्स भी और सिक्योरिटी में जो प्रोफेशनल्स है वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनसे भी मैं ये चीज मैं अंडरस्टैंडिंग एक ले चुका हूँ काफी लोगों को एक काफी हद तक पता होता है काफी लोगों को थोड़ा कम पता होता है। हैकर समझो कौन है सबसे पहले हैकर एक जो आपके दिमाग में एक पिक्चर प्रिंट होती है ऐसा समझो इट इज नॉट समथिंग पॉजिटिव ठीक है जब अगर इफ आई हैक, हैकिंग So, अगर ये word, even अगर आप कोई न्यूज देख रहे हो इवन अगर आपका कोई you know, यू नो तो आपका एक गलत इंप्रेशन ही print, होता है आपके माइंड में सबसे पहले ठीक है सो हैकर जो है सबसे पहले ये क्यों है ये क्यों इंप्रेशन प्रिंट होता है बिकॉज ऑफ द रीजन के हैकर एक पर्सन है ब्रेक्स हुई ये प्रोटेक्टेड सिस्टम है ये प्रोटेक्टेड नेटवर्क है उसका एम क्या है ये ब्रेक करना और वो ऑथोराइज नहीं है ऑफकोर्स नहीं है विदाउट ऑथराइजेशन और उसका गोल है डिस्ट्रॉय करना या सेंसिटिव डेटा स्टील करना या उसके ही फन के लिए फन के लिए या उसके ही यू नो टास्क के लिए उसके ही गोल्स के लिए पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए मेलिशियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करना कर so वो ये जो ये जो चीजें हम बात कर रहे हैं सो दैट्स अ हैकर हैकर जो है एक इंटेलिजेंट इंडिविजुअल है इनफैक्ट अ हैकर हैज एक्सिलेंट कंप्यूटर स्किल्स अलॉन्ग विदिलिटी टू क्रिएट एक्सप्लोर द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर उसको हार्डवेयर की उतनी ही अच्छी नॉलेज होगी जितनी अच्छी उसकी सॉफ्टवेयर की होगी ठीक है सो so, टेक्निकली अगर हम बात करें टेक्निकली कंप्यूटर स्किल्स में ही इज मोर लाइक अ मास्टर और शी इज मोर लाइक अ मास्टर ओके यूजुअली अ हैकर इज स्किल्ड इंजीनियर और प्रोग्रामर अब आप जस्ट बिकॉज़ मे बी उसको इतना वेल रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है मे बी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में वर्क नहीं कर रहा है मे बी यू नो उसके पास में देर इज नो सर सच क्वालिफिकेशन एज़ सच तो आप उसको ये अंडरएस्टीमेट नहीं कर सकते कि वो स्किल्ड तो है ही नहीं ओके ंग जो कर रहे होते हैं या जो हैकर होते हैं दे आर स्किल्ड इंजीनियर एंड्रामिटी एटलीस्ट उनको इतनी तो नॉलेज होती है कि वो आपके मशीन पर ना किसी भी तरह से वीकनेसेस तो डिस्कवर करके मानेंगे या कर लेते ठीक है सो दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन और दैट्स हाउ यू डिफाइन अ हैकर जनरली अगर आप हैकर मतलब कुछ मैंने अन मतलब आंसर्स भी होते हैं कि मतलब जनरली तो सबसे पहले ही नॉट नॉट अ अ गुड गुड पर्सन पर्सन और शी ये है बट दैट इज नॉट समथिंग और दैट इज नॉट हाउ यू डिफाइन हैकर एज इन यू नो इन टर्म इन टर्मिनोलॉजी यू कैन डिफाइन दैट राइट सो दिस इज हाउ यू डिस्क्राइब वॉट और हु इज अ हैकर सॉरी राइट अब हैकर में ना यार क्लासेस है ऑनेस्टली तीन मेजर हैं जैसे मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ अटैक्स में बोला दो मेजर यहां पे भी तीन मेजर क्लासिफिकेशन है उसके बाद में देर आर यू अब वो डिफरेंट रोल के बेसिस पे चेंज हो गया जैसे वहां पे भी अटैक्स पे डिफरेंट रोल के बेसिस पे चेंज हो गया मेजर तीन कैटेगरीज है ठीक है नंबर वन और जिनसे सबसे ज्यादा आपको डेंजर होता है जिससे सबसे ज्यादा आपको बचना है वो होते हैं ब्लैक ब्लैक आर द वस जो कि अपने स्किल्स को यही जो हमने स्किल्स की बात करी या अपने टेक्निकल स्किल्स को अपने एक्सीलेंट यू नो कंप्यूटर स्किल्स को हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो यूज करेंगे ये इलीगल परपजेस के लिए या ऑब्वियसली नॉट विथ समुड इंटेंशन और गुड परपजेस के लिए ये यूज करेंगे राइट right? तो ब्लैक हेड आर द इंडिविजुअल्स हु यूज देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंप्यूटिंग स्किल्स फॉर इलीगल और मेलिशियस पर्पजेस, राइट नाउ ये कई बार आपके क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं ठीक है नॉट ऑलवेज, बट वे कि भाई कई बार अगर इनको सोर्स नहीं मिलता ऐसा है ना कि आप पे इतना सारा स्किल है लेके कहां जा रहे हो कहीं नहीं तो फिर क्या होता है कहीं ना कहीं आपके कुछ इस तरह से कुछ इलीगल एक्टिविटीज के साथ में कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज में कभी ना कभी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है और इनको हम अटैकर एक्चुअली इनको हम अटैकर्स या क्रैकर्स बोलते हैं तो अगर मैं अटैकर बोल रहा हूं अगर मैं क्रैकर बोल रहा हूं तो वो एक हैकर नहीं वो एक हैकर की पर्टिकुलर कैटेगरी है ठीक है अब जनरली अगर हम मेलिशस टास्क परफॉर्म करने की बात करें तो मेलिशियस टास्क परफॉर्म अगर हम देखे हैं तो हम इथिकल हैकर भी कर रहे हैं है ना तो हमारी कैटेगरी अलग रखी गई है हमारी कैटेगरी आती है white की white hackers कौन है? ये penetration testers होते हैं ये होते जो कि स्किल्स को यूज करते हैं डिफेंसिव लिए डिफेंसिव अब अगेन मत उसमें कंफ्यूज होना defensive मतलब हम implementations पे बात नहीं कर रहे हैं कि भाई फायरवॉल में हम वर्क कर रहे हैं हम वर्क कर रहे हैं सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में नहीं हमने टेस्टिंग करके देखी पेनिट्रेशन टेस्टिंग मतलब हमने भी वही काम करा हमने भी बाईपास ब्रेक इन करके देखा लेकिन अब हम उस चीज को बता रहे हैं वी विल वी विल आउटस्पोक अबाउट दैट एंड क्या कह लो वी विल स्प्रेड अ वर्ड है ना कि दीज आर द थिंग्स जो मुझे मेरे uh, 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 मेरे टास्क करने पे हुई अब इसको फिक्स करने के लिए जो भी आप सो ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क करोगे आप उनको

जो ओनर्स हैं उनसे परमिशन अंडर द परमिशन ये आपके ये चीजें कंडक्ट करते हैं ये ये तो बिना परमिशन के कर रहे हैं ना तो ये डिफरेंस है मेजर डिफरेंस ये रहे दो मेजर कैटेगरीज अब इन ये कैटेगरीज स्ट्रेट फॉरवर्ड है इनका कोई मतलब ये नहीं है सीन ब्लैक हेड एक स्ट्रेट लाइन पे है स्ट्रेट पाथ पे है व्हाइट हेड स्ट्रेट पाथ पे है थर्ड कैटेगरी अनदर मेजर वन आर द ग्रे ग्रेड ग्रे हेड्स का कुछ फिक्स नहीं है ग्रे हेड्स आर द वंस जो कि मे बी यू ने नो ये ऑफेंसिवली भी वर्क कर रहे हैं और डिफेंसिवली भी डिफेंसिव मतलब कैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ये है क्या कहते हैं वर्क कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के ही इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं इन द यू नो सम्लैक हेड टू दू समक हेड्स इनको कैच करना भी थोड़ा मुश्किल है तो ग्रे हेड्स आर मैं अगर अपने पॉइंट से बात करूं तो मैं इनको ब्लैक हेड से थोड़ा ऊपर रखता हूं वो रीजन यही है कि ब्लैक हेड्स का एटलीस्ट आपको पता है दे दे ऑन ऑन आर अ सिंगल पाथ ग्रे हेड्स का यू डोंट नो सो ग्रे हेड्स आर द टाइम्स ठीक है ग्रे हेड माइट हेल्प और एट द सेम टाइम वेंडर्स को हेल्प कर रहे हैं प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट की सिक्योरिटी की इंप्रूवमेंट के लिए सो इन दैट वे ठीक है फिर आता है फिर मैं बाकी सारे एक्चुअली डिस्क्राइब डायरेक्टली कर देता हूं सो देन आर द थ्री मेजर कैटेगरीज इसके बाद में वी हैव सुसाइड सुसाइड हैकर्स हैकर्स सो जो टर्म है ये सुसाइड हैकर्स टर्म इनकी निकली है फ्रॉम द सुसाइड बॉम्बर्स ठीक है इन विच वे इन वॉट वे परफॉर्म द एक्शन विदिंग एनीथिंग मतलब मे बी इनको लाइफ टाइम जेल ही हो जाए ठीक है अगर ऐसे लॉ है मतलब कंट्रीज देखो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट लॉज होते हैं ठीक है तो उसके बेसिस पे दे आर नॉट बुड से अबाउट फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस तो उस वे में इनको एक टर्म दे दी है कि यार ये अजीब है ये ये तो बहुत ही मतलब पागल है ये सुसाइड हैकर्स की एक टर्म है ठीक है देन आता है एक टर्म स्क्रिप्ट किडीज स्क्रिप्ट किडीज वो होते हैं जो कि एक्चुअल हैकर्स नहीं है बट ये रादर क्या कर रहे हैं सम आ, ऐसा कह लो कुछ इन्होंने हैकर का कोई एक यू you नो know, उसने एक टूल डेवलप कर दिया सम 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 टूल फॉर यू नो मतलब इनको पूरा प्रोसेस नहीं पता है इनको ना स्टेप्स पता है टूल्स तो यूज करना एक बात है वो तो सब लोग करते हैं ठीक है वो तो पेनेट्रेशन टेस्टर्स भी कर रहे हैं उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इनको ना तो टेक्निक पता है ना इनको प्रोसेस पता है इनको एक क्या पता है एक कोई पर्टिकुलर स्टेप पता है वो स्टेप पे ये क्या करते हैं कई बार हिट करते हैं चल जाए तो ठीक है नहीं चले तो ठीक है तो ये स्क्रिप्ट के आते हैं ये अनस्किल्ड हैकर मतलब ये मे बी कॉम्प्रोमाइज करेंगे सिस्टम्स को कोई उनको ऐसी स्क्रिप्ट मिल गई कोई टूल मिल गया और वो सिस्टम भी वीक है मतलब लक भी है तो वो उस तरह से है आपका ये मतलब ये कुछ अपने एंड से कुछ इनकी बहुत खास इनकी ये नहीं है मे बी नॉलेज भी नहीं है बहुत ज्यादा तो ये फिर आते हैं साइबर टेररिस्ट साइबर टेररिस्ट जो है ये आपके डिस्ट्रप्शन ऑफ़ फियर कॉज करते हैं जनरली मोटिवेटेड बाय द रिलीजियस या पॉलिटिकल बिली सो साइबर टेररिस्ट मतलब फियर क्रिएट you know, करना ऑन द ऑन दिस साइबर या यू नो दिस दिस इंटरनेट लेवल फिर होते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर होते हैं ये एंडोर्स तो नहीं कहूंगा दे आर मोर लाइक वर्क अंडर द गवर्नमेंट ठीक है क्योंकि गवर्नमेंट को भी क्या चाहिए होता है दूसरे गवर्नमेंट दूसरे कंट्रीज का डेटा चाहिए होता है जैसे मैंने बताया आजकल सब चीज डिजिटल है तो उसके लिए ये आपके जो रहते हैं स्टेट रहते हैं इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयड काइंड ऑफ आप कह सकते हो ठीक है so, कोई टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन कुछ गेन करना है कुछ डॉक्यूमेंट इस तरह से तो ये रहता है और इसका काफी इन्वॉल्वमेंट होता है एक्चुअली आप जो आज के टाइम पर देखते हो ना ये आ, कुछ पेपर्स लीक हो गए कुछ गवर्नमेंट के कुछ मतलब जो उस तरह की चीज होती है जो बहुत अगर बाहर आ जाए तो कॉन्ट्रोवर्शियल होती है ये इन्हीं का इन्वॉल्वमेंट होता है और ये लगे रहते हैं मतलब इट्स मोर लाइक जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इट इज मोर लाइक जैसे रशिया यूएस इट्स लाइक दैट राइट ये ये चलता रहता है सो दैट इज द स्टेट देन वी हैव क्या है एक्टिविस्ट होते हैं ना एक्टिविस्ट क्या है जैसे उनका कोई पर्सनल एजेंडा है कोई गोल है Uh, मतलब गोल मतलब कुछ उनका एजेंडा है यही है है ना अब वो एक्टिविस्ट क्या एक्टिविस्ट क्या करते हैं वो एक यू नो प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट करते हैं हैं रैली uh, करेंगे कुछ करेंगे क्या हो गया वही चीज आपकी क्या आ गई आपकी टेक्निकल आ गई इन्होंने क्या कर दी कोई गवर्नमेंट वेबसाइट है उसको डिफेस कर दिया डिफेस एज एन उसको ये कर दिया मतलब पूरा चेंज खत्म कर दिया ब्लॉक करवा दिया मतलब कुछ भी तो ये आपके जो आ, क्या कहते हैं कैटेगरी आती है ये आपकी होती है की कैटेगरी ये कैटेगरीज आपकी आपकी रहती है मेन बट टॉप तीन ही आपके ब्लैक ब्लैक हैट होते है व्हाइट हैं और ग्रे हैट होते हैं फिर इससे फिर हाँ ये भी बट डेफिनेटली ये भी मेजर मेजर एज आइजन डिस्क्राइब आप कहीं पे भी हैकिंग कोई बुक पेनेटेशन टेस्टिंग कोई बुक देखोगे ये ये भी आपको डिस्क्राइब जरूर मिल जाएंगे रेड हैट Uh, आपका लिनक्स का ये रहता है एक ये है एंटरप्राइज का, का solution, that is different. उसका सॉल्यूशन दैट इज डिफरेंट उसका इससे कुछ डायरेक्ट लिंक नहीं ऑल राइट सो ये हुआ आपका ये पार्ट डन अब नेक्स्ट आपका आता है इथिकल हैकिंग का पार्ट ओके सो आज आप इतना देखो कल हम इथिकल हैकिंग से स्टार्ट करेंगे एंड लेट्स डू वन थिंग फॉर दिस वीक ये आपका फ्राइडे तक रहेगा ये भी आप एक बार देख लो जो कल हमने टाइमिंग की बात करी थी आप किस टाइम पे अवेलेबल हो पाते हो ठीक है बिकॉज रश करने से कोई मतलब नहीं है यू कैन टेल मी जिस भी टाइम पे आप कंफर्टेबल हो उस टाइम के अकॉर्डिंग आपका ये इस मतलब रखेंगे तो सो देर नो प्रम इन देट ठीक है ना तो ये जो है ये आज हमने जनरल अटैक्स और जो बाकी चीजें उसकी हमने बात करी कल हम बात करेंगे ये आपका पूरा थ्योरिटिकल टॉपिक है इसके बाद में भी जो टॉपिक आएगा बिकॉज पहले थ्योरी समझनी पड़ेगी वहां से आपका लैब स्टार्ट होगा लेकिन थ्योरी पहले उसकी समझनी पड़ेगी सो so, जैसे उसकी थ्योरी होगी उसके साथ में मैं उसका लैब भी बता दूंगा बट uh, कल हम पहले इसको खत्म करेंगे अगर रहा टाइम तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी हम स्टार्ट कर देंगे अकॉर्डिंग तो इतना देखो आप आ, कल एक बार आपको और आइडिया लग जाएगा अकॉर्डिंगली फिर आपका जो रहेगा वो आप अपने जो भी आपके रिपोर्टिंग मैनेजर या तो आपको खुद ही कॉल कर लेंगे या आप अकॉर्डिंगली उनसे कॉन्टेक्ट कर लेना कि आपको कितना कैसा क्या समझ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर आपका एनरोलमेंट जैसा रहेगा उसके बेसिस पे मैं फिर कंटेंट वगैरह शेयर करूंगा अकॉर्डिंग